गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सीरीज को, और यहाँ पर हमें एमसी का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक पिंग होता है। और आज जो है 2008 है अप्रैल 5th, एमसी जो अपने इस क्लासरूम के अंदर होता है और फिर बता रहा होता है कि मैंने एक शॉकिंग चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जो हूँ टाइम में पूरे 10 साल पीछे आ चुका हूँ। लेकिन एक्यूरेटली अगर मैं बोलूँ तो मैं 10 साल पहले अपने वर्ल्ड के अंदर नहीं आया हूँ बल्कि एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है मेरे वाले से। जैसे कि यहाँ पर एमसी का फ्रेंड इसे बता रहा होता है कि तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें जो है रजिस्टर करना है मार्शल आर्ट के सब्जेक्ट के लिए। और क्या तुम दोनों करने वाले हो ना? और इस वर्ल्ड के अंदर जो है नेशनल मार्शल आर्ट का एक सब्जेक्ट भी होता है, जो कि इसका फ्रेंड बता रहा होता है कि इसकी फीस जो पूरे 10,000 है। और मुझे भी बताया कि मैं जो हूँ वैसे भी पास नहीं करने वाला हूँ, तो मैं रजिस्टर करके पैसे वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। एमसी देख रहा होता सोच रहा था कि सच में पूरी 10,000 फीस है रजिस्ट्रेशन की। और ये भी बता रहा था कि मैं भी चाहता हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है एक नॉर्मल बंदे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना। और यहाँ पर एक बंदा आ जाता फिर बता रहा था कि ब्रदर तुमने जो है कल का न्यूज देख लिया था, ग्रैंड मास्टर माँ जो है उसने मैनेज कर लिया, वो 8th ग्रेड पे पहुंच चुका है, ब्रेक थ्रू उसने कर लिया है और उसने ऑफिशियली चैलेंज भी कर लिया एशिया का पैसिफिक पता नहीं एक बंदा उसे भी। और ये भी बता रहे थे कि सच में बातें भी कर रहे होते हैं, एमसी को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर बता रहे थे कि हाँ ये रियल है, इसको जो है सीसीटीवी कैमरा के अंदर फुटेज में आ चुके हैं वो दोनों। ये फिर बता रहे थे कि अच्छा मार्शल मास्टर की रैंकिंग जो है अपडेट हो चुकी है। और फिर बता रहे थे कि अच्छा यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही है, लकीली मैंने जो है अपनी पिछले लाइफ के अंदर इसेकाई शोस टाइप की ये चीजें देख ली थी, तो इनके बातें सुनकर लगता है कि ये जो ग्रैंड मास्टर है साथ में इसका ग्रेड जो है वो कोई रैंकिंग टाइप का जॉब टाइप का है। और एमसी इसे बता रहा होता है कि ये जो है होते क्या है। फिर बता रहा होता है एमसी को कि तुम जो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बातें ऐसे तरीके से कर रहे हो उसका नाम तुम ऐसे नहीं कर सकते यूज। एमसी भी सोच रहा था कि अच्छा साला ये है कौन। और फिर बता रहा होता है कि सॉरी लगता है कि कुछ जो है मेरे साथ गलत हो चुका है। एमसी भी सोच रहा होता है कि मैं अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो ये जो है सस्पिशियस भी हो सकता है, तो मैं जो हूँ ये चीजें नहीं करने वाला हूँ ज्यादा। और फिर बता रहा होता है कि क्या इंटरनेट कैफी आस पास है क्या। ये फिर बता रहा होता है कि हाँ तुम जो हमेशा वहां पर जाते हो ना। एमसी बता रहा होता है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मैं गया नहीं हूँ, और सोच रहा होता है कि अगर मैं जो इंटरनेट कैफे चला जाऊंगा तो थोड़ा बहुत मेरे को पता चल जाएगा वर्ल्ड के बारे में, और शायद से वो ब्यूटीफुल मैनेजर जो है वो वहीं पर ही होगी जो कि अक्सर मेरे ड्रीम के अंदर आती रहती थी। और मतलब पता है ना एमसी क्या कांड वहां पर ड्रीम में भी करता था उसके साथ। लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर कोई दूसरी चीज होती है। एमसी बता रहा होता है क्या, जब मैं छोटा था तो मेरा टेस्ट इतना ज्यादा बुरा था कि ये वही लड़की है, सच में मेरी मेमोरी के अंदर तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है। अरे भी एमसी को बता रहे थे कि लेटर ब्रदर तुम जो हो टॉप अप कराना चाहोगे अपने अकाउंट को, अगर तुम $50 का टॉप अप करोगे तो तुम्हें जो $10 फ्री में मिलेंगे। और एमसी देखता है इसके पास सिर्फ 28 होते हैं, सोच रहा होता है कि सच में लगता है मेरे पास पैसे भी नहीं है। और एमसी बता रहे थे कि नहीं मैं जो $5 का करूंगा। ये फिर बता रहे थे कि सच में एक गरीब बंदा यहाँ पर आ चुका हमारे कैफे को यूज करने के लिए, और ये जो है मेंबरशिप है जो कि टेम्पररी है। और एमसी सोच रहा था कि अच्छा इसने जो अपना एटीट्यूड भी बहुत जल्दी चेंज कर लिया, और तुम्हें जो है अलग से ही एक तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे, और ये जो है मेरे साथ ये सीन कर रही है। और यहाँ पर आ जाता है और देख कर ये शौक हो जाता है, फिर बता रहा होता है कि मेरे को जो है अब ये मार्शल आर्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और इस वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग रूल्स होते हैं जिसको हर कोई अंडरस्टैंड करता है, चाहे तुम कुछ भी करते हो तुम्हें जो है मार्शल आर्टिस्ट बनना है इस वर्ल्ड के अंदर स्पेशली। और यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जो कि ये मांगा पड़ता था उससे ही, और मार्शल आर्ट के पास जो है पावर्स होती है उनके पास हाई स्टैंडर्ड होता है सोसाइटी के अंदर, समझो कि भाई पावर है तो भाई तुम्हारी इज्जत भी है। और मार्शल आर्ट जो है डिवाइडेड हो चुके हैं पूरे 9 ग्रेड के अंदर, ग्रेड 1 जो है वो सबसे लोएस्ट होता है, ग्रेड 9 सबसे हाईएस्ट होता है। और इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट जो है अलाउड होते हैं कि वो जो है कंपनी खोल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं खोल सकता है। और साथ में तुम जो है गवर्नर भी बन सकते हो अगर तुम जो हो ग्रेड 4 पे पहुंच जाते हो। अगर तुम्हें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जाना है तो तुम्हें जो है एटलीस्ट ग्रेड 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है मार्शल आर्टिस्ट वाला इसके पीछे हर कोई पागल होता है, हर कोई जो है चाहता है इसको सक्सेसफुली पास करना, तभी जो है तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा इसकी वजह से और तुम जो कोई एक पावरफुल बंदे बन जाओगे। और ऐसे बता रहा होता है हाँ लेकिन ये जो है इतना ज्यादा इजी भी नहीं होने वाला है मार्शल आर्ट एग्जाम, क्योंकि पूरे $10,000 तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का फीस है और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए, मेरे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, पैसा तो है भी नहीं। और फिर बता रहा होता है कि जहाँ तक कैरेक्टर जो होते हैं भाई शील्ड हीरो के बारे में बोल रहे हैं, साथ में रीमरु के बारे में बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसे पावर्स होते हैं चीट्स वगैरह होती है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, साला मेरी किस्मत ही खराब है और मेरे पास ऐसे पैसे कहाँ से आएंगे। फिर बता रहा होता है हाँ याद आया, क्या पता मेरी फैमिली जो है रिच हो इस वर्ल्ड के अंदर तो मेरे को जो है कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो पैरेलल टाइप का होता है ना, घर पे आ जाता है टूटा फूटा घर होता है और समझ जाता है कि भाई कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ये, और यहाँ पर आ जाता है तो बिल्कुल ही पुराना टाइप का घर होता है। और इसी के साथ कोई लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि एमसी को बता रही थी कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। एमसी भी देख लेता है फिर बता रहा था कि रुको जरा ये राउंड सा फेस जो है इसे पिंच करता है, और ये जो इसकी सिस्टर होती है। और एमसी सोच रहा होता है कि मैं हमेशा रिग्रेट करता था इसका जो फेस था बहुत ज्यादा क्यूट था, लेकिन जब बड़ी हो चुकी थी तो ये फेस इसके साथ ऐसा नहीं था। और ये फिर बता रही थी कि जल्दी करो मुझे पैसे दे दो, हाथ हटाती है। एमसी बता रहा था कि क्या, ये फिर बता रही थी कि तुम्हें जो है एक्टिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए, जैसे तुम्हें पता नहीं है मॉम ने जो है हमें $50 दे दिए थे स्प्लिट करने के लिए, 25 तुम्हारे 25 मेरे, तो
मेरे पास जो है सिर्फ $5 क्यों होते, बकाया की दर गए। मैं सी सोच रहा था कि अच्छा, तो वो $28 जो है मैंने उड़ा दिए। फिर बता रहा था कि मेरे को पता नहीं है, क्या पता तुमने उसे लगा दिया हो, तो तुम्हें जो है उसे नहीं देखना चाहिए। भाई चली जाती है अपनी मोम के पास उसे बताने के लिए। एम सी सोच रहा होता है कि लगता है इस लड़की को मैंने बुली कर दिया है और मैं जो हूँ इसे इतने ज्यादा कम पैसे दे रहा हूँ, जो कि अच्छा भी नहीं है वैसे तो। और फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो फाइट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बाप जो है अभी आ जाएगा खाने के लिए। और एम सी बता रहा होता है कि ये जो मेरी मदर है, जो कि काफी ज्यादा यंग लग रही है भाई, 10 साल पहले, 10 साल पीछे आ चुके हैं तो यंग ही लगेगी ना। एम सी सोच रहा था कि मेरे को याद है कि ये जो है मेरा और मेरी बहन का ध्यान रख रही थी, तो मेरी मदर जो है वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और सिर्फ जो है $800 महीना कमाती थी। मैं जो हूँ कैसे अपने मदर से पूरे $10,000 मांग सकता हूँ उस एग्जाम के लिए। और इसका बाप भी आ जाता है यहाँ पर। एम सी सोच रहा होता है अपने बाप के बारे में, बता रहा होता है कि वो जो एक कॉमन वर्कर है, फैक्ट्री के अंदर काम करता है और ये जो है वहाँ पर काम करता था, तो उसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा इनहेल करनी पड़ती थी वहाँ पर डस्ट वगैरह, तो इसकी लाइफ जो है वो रिस्क के अंदर आ चुकी है, हेल्थ खराब हो चुकी है इसकी। और ये भी जो है महीने के $3,000 कमाता है। एम सी भी इसे देखता है और ये फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है, तुमने जो अपने स्कूल की चीजें अभी तक रखी नहीं है, जल्दी करो खाने के लिए रेडी हो जाओ। एम सी बता रहा था बस मैं अभी आया हूँ। और ये भी आ जाती है कि इसने जो मेरे पैसे चुरा रखे हैं, इसे कुछ बोलो। एम सी का बाप भी इसे देख रहा होता है। फिर एम सी बता रहा था कि नहीं, तुम्हें इसके नॉनसेंस नहीं सुनना चाहिए, बेचारे को बता रहा है बार बार। यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर एम सी सोच रहा होता है कि मेरे को जो है किसी तरीके से मार्शल आर्ट के इस कॉम्पिटिशन में जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली की लाइफ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। और फिर एम सी इसे बता रहे थे कि डेट मैं जो हूँ मार्शल आर्ट एग्जाम लेना चाहूंगा, और ये सब जो है शोक हो जाते हैं। एम सी सोच रहा था कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही मैं चीजें मांग रहा हूँ अपनी फैमिली से, क्योंकि मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी इन पैसों को। और देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली के लिए। और फिर आसरा होता है, बता रहा होता है कि ऐसे ही बस मेरी बातें मत सुनो, माइंड मत करना, और डायरी कार्ड रखता है। और एम सी भी देखता है। और इसका बाप बता रहा होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है 10,000 है ना, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में सुन लिया अपनी कॉलीग्स वगैरह से, मैं जो हूँ ये पहले तुम्हें बताने नहीं चाहता था क्योंकि तुम नहीं जा रहे थे उस कॉम्पिटिशन के अंदर, लेकिन अभी तुमने बता दिया तो ये कार्ड ले लो और कल पैसे निकाल के तुम चले जाओ कॉम्पिटिशन में ही। और फिर बता रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम पास होते हो कि नहीं होते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो करो भाई, ऐसा बाप मेरे को मिल जाए काफी ज्यादा अच्छा होगा, मेरा वाला तो भाई क्या बोलूं भाई छोड़ो। मैं सोच रहा था कि भले मेरी फैमिली जो है बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन मेरा बाप तब भी मुझे पैसे दे रहा है और साथ में जो है ये भी बता रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम पास होते हो कि नहीं होते हो, ताकि मैं स्ट्रेस ना लूं। एम सी सोच रहा था अगर मैं पास नहीं होता हूं तो मैं कैसे ये पैसे एक तरीके से रीपे करूंगा अपने फादर के लिए, कि इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहा है। और फिर बता रहा होता है कि फादर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और जैसे एम सी पैसों को टच कर लेता है, अचानक से जो एक नोटिफिकेशन एम सी के सामने आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है कि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। और पता नहीं यहाँ पर क्या कनेक्शन हो रही है, किस चीज से कनेक्शन हो रही है। ऐसे बता रहा था कि मैं जो बोर्ड टाइप के कॉमिक्स वगैरह ऐसे पढ़ता था इनके बारे में, और लगता है कि ये जो है मेरा चीट सिस्टम होगा। यहाँ पर आ जाते हैं पैसे 2,000, रुको ज़रा 10,000 नहीं थे क्या। और इसी के साथ एमसी घर पे आ जाता है और सोच रहा होता है उस सिस्टम के बारे में। और फिर बता रहा था कि जहाँ तक हो चुका था वो एटीएम मशीन के पास ऐसा सीन, अच्छा इसने पूरे 10,000 निकलवा दिए थे। फिर बता रहा होता है कि जितने पैसे मेरे पास थे वो जो है वहाँ पर शो हो रहे थे एज अ वेल्थ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो वो जो है वहाँ पर काउंट भी नहीं होंगे, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी जो की है साथ में की ब्लड, वो जो जितने भी फिजिकल पावर्स होती है वो भी इंक्रीज होगी। और फिर बता रहे थे गुरु को, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है मेरे पावर्स को बढ़ा सकता है। और देख रहा होता है सिस्टम को, और ऐसी लग जाते हैं। फिर बता रहा होता है कि अंकल सिस्टम कैसा रहेगा, तुम जो है मेरे पैसों को यूज कर लो मेरी जो है ब्लड और की को इंक्रीज करने के लिए। और लग जाता है बहुत ज्यादा बातें बातें कर रहा होता है, रिचुअल कर रहा है साला, और कुछ भी नहीं होता है। फिर बता रहा होता है क्या कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। फिर बता रहे थे जल्दी करो, एड करो की ब्लड को, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है मैं धुलाई कर दूंगा। और डायरेक्ट यहाँ पर जो है लाल लाल टाइप का आ जाता है एमसी, देख रहा होता है, और पैसे जीरो हो जाते हैं और थोड़ा सा ही वो पावर बढ़ता है एमसी का, और एमसी का की ब्लड इंक्रीज हो जाता है, अचानक से इसका हार्ट रेट बढ़ता है। और फिर बता रहा होता है कि क्या वो जो इंक्रीज हो चुका है, मैंने पूरे 10,000 लगा दिए पैसे और सिर्फ 0.1 ही प्लस हुआ, लेकिन ये 0.1 भी प्लस हुआ तो मैं जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। फिर बता रहा होता है रुको जरा, और जैसे देखता है वो पैसे अभी भी यहाँ पर होते हैं। फिर बता रहा होता है अच्छा साला मेरी जो फट गई थी कि पैसे गायब हो चुके हैं, लेकिन अगर ये पैसे गायब हो जाते तो मैं जो अपने पेरेंट को कैसे एक्सप्लेन करता कि पैसे गायब हो चुके थे। और लगता है कि अगर मैं जो हूँ अपने पैसों को एक ही दफा यूज कर सकता हूँ सिस्टम से तो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर वो गायब नहीं होते हैं। और ये जो है एमसी की सिस्टर सुन रही होती है कि भाई पागल हो चुके हैं मेरा भाई क्या। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में टीचर बता देता है कि ऑफिस में चले जाओ वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। एमसी भी उठ जाता है, ये फिर देख रहा होता है कि क्या हो गया, बाथरूम जा रहे हो क्या। एमसी बता रहा होता है कि क्या मैं जो जा रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए, और ये फिर देख रहा होता है शौक होता है। और इसी के साथ एमसी यहाँ पर आ चुका होता है। फिर बता रहा था हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम भी जो रजिस्टर करोगे, तुम्हारा जो है की ब्लड क्या है। एमसी बता रहा होता है कि क्या बोलूं मैं कि 1.1 है क्या, जो कि बहुत ज्यादा लो तो लग रहा है। और ये आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि मुझे पता नहीं था। और फिर बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि एमसी ने अभी तक चेक नहीं किया है, वरना ये जो ऑलरेडी बता भी देता। दूसरा बता रहा होता है कि हाँ मैं जो हॉस्पिटल चला गया था चेक करने के लिए, तो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 108 था। चलो एमसी का देख लेते हैं कि कितना ज्यादा है। एमसी बता रहा होता है रुको सर, इनका 108 है और मेरा 1 पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। और फिर बता रहा होता है कि सर अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल आ जाओ चेक करने के लिए, जबकि दूसरा बंदा शोक हो जाता है। फिर बता रहा होता है रुको सर तुम्हारी फैमिली ने जो है ले लिया है ये की ब्लड मीटर को।
भाई फिर बता रहा होता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी अपना जो है ब्लड फ्रीक्वेंसी चेक करता रहता हूँ बार बार, तो इसलिए हमने जो एक छोटा सा मशीन ले लिया है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर है उससे, ये दूसरा बता रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर चीपेस्ट भी तुम लेते हो तो वो जो है लाखों डॉलर का होता है। ऐसे भी सोच रहा होता है कि भाई ये सो गया रहा है यहाँ पर, क्योंकि पिछली लाइफ के अंदर जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लड प्रेशर की मशीन थी वो भी कोई कुछ $100 की थी, ना कि लाखों में। और इसकी घर में क्या चीज है, और आ जाता है एमसी को घर पे लेकर आ जाता है, दिखा रहा होता है, और एमसी भी लेट जाता है और इसे बता रहा होता है कि क्या रिजल्ट आ चुके हैं। और ये देख रहा होता है, सोच रहा था कि सच में एमसी की जो ब्लड वैल्यू है वो 113 है, और देख रहा होता है सच में बता रहा होता है कि तुम्हारा 113 है, और एमसी भी बता रहा होता है अच्छा तो ऐसा जो है ये वैल्यू वर्क करता है, सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट है लेकिन रियलिटी के अंदर डिफरेंट है। और अगर यहाँ पर जो रिकॉर्डेड हो चुका है कि 113 है और सिस्टम में 1.1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशियो जो है 1:100 का है। और ये एमसी बता रहा होता है तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा इतना ज्यादा हाई है, एमसी बता रहा था कि क्या, फिर बता रहा होता है कि भाई तुम्हारा जो यकीन ब्लड है तुम क्लास में सेकंड बेस्ट हो। हमें जो है यहाँ पर एमसी का घर वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी का फादर बता रहा था कि मैंने सुन लिया है वर्कशॉप के डायरेक्टर से, वो बातें कर रहा था मार्शल आर्ट एग्जाम के बारे में, वो ये भी बता रहा था कि तुम्हें जो है कुछ और पैसे भी लगाने पड़ेंगे, मतलब अगर तुम्हारा बेटा जो है पास भी हो जाता है एग्जाम के अंदर तो उसे इम्प्रूव करने में। मेरे बेटे ने डिसाइड कर लिया एग्जाम को देने के लिए, तो हम जो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो है 20,000 ही है इस घर के अंदर, जो कि अभी भी काफी नहीं है, हमें और भी पैसे जो है चाहिए होंगे। जबकि एमसी की सिस्टर बाहर जो है तबाही मचा रही थी, फिर बता रहे थे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुमने जो है मार्शल आर्ट का एग्जाम का टेस्ट ले लिया है और तुम्हारा जो पावर है वो 110 है, जबकि फिर 113 बता रही होती है। एमसी भी लगा होता है इसे जो है तंग कर रहा होता है, और फिर बता रहे होता है कि सॉरी लेकिन तुम्हारा भाई जो है जीनियस है और मेरा जो हाई चांस है इस एग्जाम में पास करने के लिए इस दफा। एमसी की मदर भी आ जाती है, फिर बता रहे थे कि यहाँ पर आ जाओ तुम्हारा बाप जो है तुम्हें कुछ कहना चाहता है, और ये भी बता रहे थे कि मदर ये जो मुझे वापस से बुली कर रहा है। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, और जब यहाँ पर आ जाता है सोच रहा था कि क्या हो चुका है इस एटमोस्फेयर को। एमसी का बाप भी इसे बता रहा था कि यहाँ पर आ जाओ और इसे जो है पैसे देता है, फिर बता रहा होता है कि ये पैसे ले लो, तुम्हें ये पैसे को यूज करना चाहिए अपने लिए, खुद को जो है और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, मुझे पता है ये काफी नहीं है लेकिन तुम अभी के लिए ये ले लो। और जैसे हाथ में डालता है डायरेक्ट सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाता है पूरे $20,000, और फिर बता रहा होता है कि पास के अंदर जो है हमने डैमेज कर लिया था तुम्हारे फ्यूचर को, हम जो है तुम्हें एक तरीके से पूरा फोकस नहीं दे रहे थे लेकिन हम जो अभी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम जो इस एग्जाम को ले सकते हो। हमसे भी देख रहा होता है कि डेट अपने रूम के अंदर आ जाता है, सोच रहा होता है अगर मैं जो इन पैसों को यूज करूंगा मेडिसिन वगैरह बाय करने के लिए तो मैं जो हूँ कुछ पुअर वाली चीज भी ले सकता हूँ। वैसे इसे ऐसे लग रहा होता है कि अगर ये कोई पिल वगैरह ले लेगा महंगी वाली और उसे खा लेगा, बात बात मार रहा होगा जो कि बेस्ट रहेगा। फिर बता रहा होता है कि नहीं सिस्टम जो है और ज्यादा रिलायबल है मुझे जो है इम्प्रूव करने में, और सिस्टम को देखता है। अगले दिन आ जाता है काफी ज्यादा थका हुआ होता है, फिर बता रहा होता है कि कल जो है मैंने ट्राई कर लिया था अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए और पूरे 10,000 इसने लगा दिए थे वहां पर। और फिर बता रहा होता है कि जैसे मैंने इस चीज को लगा दिया था तो मेरा माइंड जो है काफी ज्यादा मेरे को फास्ट लग रहा था, इम्प्रूव लग रहा था इन चीजों के अंदर, और मैं जो आराम से फोकस कर पा रहा हूँ, मेरी मेमोरी वगैरह भी इंक्रीज हो चुकी है, और कल रात को मैंने काफी ज्यादा चीजें सीख ली थी। और डायरेक्ट कोई जब मारता है यहाँ से एमसी का फ्रेंड ही होता है और इसे रख के नीचे मारता है, और इसे बता रहा था कि साला तू जो है करके आ रहा है। फिर बता रहा था कि अच्छा तुमने जो है सब लोगों को धोखा दे दिया था और तुम्हारा एक्चुअली में स्कोर जो है 113 था और मेरा जो है सिर्फ 110 ही है, जल्दी करो बता दो तुम्हारी जो है सीक्रेट प्रैक्टिस क्या है जो रात को तुम करते हो। और यहाँ पर और लोग भी एमसी की तरफ आ जाते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा साला मैं जो हूँ क्यों नहीं ये कर रहा था कि सबको पता चल जाएगा मेरे बारे में। और एमसी का फ्रेंड आ जाता है इसे रख के फेंकता पीछे और इसे बता रहा था कि भाई मेरे को क्यों देख रहे हो, और एमसी को देख रहा होता है सोच रहा होता है कि भाई मेरे मसल्स वगैरह इसकी बॉडी इतने ज्यादा वो पतली टाइप की है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और मेरे की ब्लड जो 108 है इसका 113 है, अभी ज्यादा रोने लग जाते हैं कि भाई ये फेयर नहीं है। और यहाँ पर टीचर भी आ जाता है फिर बता रहा होता है कि तुम यहाँ पर हो ना परफेक्ट टाइमिंग है, और ये बुक वगैरह देता है एमसी को जो कि बेसिक थ्योरी होती है मार्शल आर्ट की, फिर बता रहा होता है एमसी को कि ये बुक ले लो घर पे चले जाओ रीड करो इन चीजों को, और जिनको जो है ट्यूशन है मार्शल आर्ट के अंदर उन्होंने ऑलरेडी इसे स्टडी कर लिया तो तुम्हें जो इसे स्टडी करना है तभी जाके तुम जो सही तरीके से रजिस्टर कर पाओगे, तो मैं होप करूंगा तुम पढ़ लो, एमसी बता रहा होता है कि थैंक यू। और सोच रहा होता है कि पिछले लाइफ के अंदर मैं टीचर से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था लेकिन इस दफा जो है मैं एडमिट करूंगा टीचर काफी ज्यादा अच्छा है, फिर बता रहे थे ठीक है आज जो है तुम लोग रेस्ट ले सकते हो, तुम लोगों की क्लास नहीं है और मैं जो हूँ तुम लोगों को एक मिशन दे दूंगा। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या मिशन, और फिर बता रहे थे कि मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है जो कि डीन है उसके बारे में और मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है तुम लोगों के लिए और तुम लोगों को एक यूनिवर्सिटी वहां पर चले जाना चाहिए। हमें यहाँ पर एक दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि आ जाता है, फिर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आया हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और ये जो है मार्शल आर्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं फर्स्ट ईयर में ही, और यहाँ पर जो काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं इसे जो है बताने के लिए कि फाइनली सीनियर जो है आ चुका है और ये भी सब लोगों से मिल रहा होता है। हम इसे देख रहा होता है सोच रहा था कि जो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है और ये जो है मार्शल आर्टिस्ट है, और फिर बता रहा होता है कि ये जो है अभी एक ब्रेट है जो कि यूनिवर्सिटी जा चुका है। और यहाँ पर हमें क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर एमसी पूछ रहा होता है कि ये लड़का है कौन, और ये फिर एमसी को बता रहा होता है क्या तुम पूछ रहे हो कि ये है कौन, एमसी बता रहा होता है हाँ मुझे पूछना चाहिए ना मेरे को पता नहीं है, और ये फिर हंस रही होती फिर बता रही होती अच्छा चलो फिर मैं बता देना चाहती हूँ इसके बारे में, ये जो है एक 19 साल का लड़का है और भी चीजें बता रहा होता है वो जो एप्पल खाना पसंद करता है और पता नहीं क्या क्या बता रही होती है, और फिर बता रही होती है कि भले ये जो सीनियर है वो काफी ज्यादा अमीर नहीं है तो ये जो है हमें मार्शल आर्ट का लेसन वगैरह भी देता है और पिछले साल के एग्जाम के अंदर उसे जो
एक्सेप्ट कर लिया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो जो है नंबर वन मार्शल आर्टिस्ट है। और ये जो है पहला बंदा जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया था, जो कि एक नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा था। और बोले जब सीनियर जो है मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर था, ये तब भी जो है अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता था, और ये सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के अंदर है, लेकिन ये ऑलरेडी एक मार्शल आर्टिस्ट है। और भी तारीफें कर रही होती, हमसे भी देख रहा होता है पागल हो चुकी है क्या। और इसी के साथ ये जो सेलिब्रेट कर रहे थे इसके लिए, और सब बता रहे थे कि वेलकम बैक, तुम जो आ चुके हो प्लीज हमें स्पीच दो। ये जो हंस रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि भाई तुम कुछ जा रही हो रहे हो। और ये फिर पूछ रहे होते कि क्या सीनियर तुम जो हमें सीक्रेट बता सकते कि हम जो कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। ये फिर बता रहे होते कि सीक्रेट, फिर बता रहे होते कि हर किसी को जो है मार्शल आर्ट के 5 बिग टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक जो है पॉलिटिकल ट्रायल होता है, एक कल्चरल ट्रायल होता है, एक प्रोफेशनल का होता है, एक्सपीरियंस का होता है, फिजिबिलिटी होता है, ये क्या चीज होता है। और इन पांचों में दो एग्जाम जो सबसे हार्डेस्ट होता है, एक जो है एक्सपीरियंस वाला होता है, एक जो है फिजिक, ये पर शायद से फिजिकल वाला होगा मे बी। और फिर बता रहे थे कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं अगर उनकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 110 है, तो अगर तुम्हें जो है पास होना है तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ही डेंजरस टाइप की है, लेकिन अगर तुम जो अपने इमोशन को यूज करते एग्जाम के अंदर तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। और ये सारे भी देख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि अगर तुम खुश रहोगे, एंग्री रहोगे, सोरो रहोगे, एक्साइटमेंट रहोगे, ये इमोशन जो है वो तुम्हारी लिमिट को पहुंचा सकते हैं कि इन ब्लड को, शायद से उससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। अगर तुम जो बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हो तो ये जो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आ सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो कि तुम्हें जो है कोई छेड़ वगैरह रहा है तो तुम्हें कितना ज्यादा गुस्सा आता है उस एग्जाम में देने के लिए। ऐसे भी सोच रहा था कि इमेजिन करना है, फील करना है क्या सीन है। और फिर बता रहे थे कि अगर तुम्हें जो है एक्सपीरियंस करना है फिजिकल टेस्ट को, तो वो जो है एक तरीके से इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, तुम्हें जो है बस एक्सप्लोजन ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्या सीन है। और साथ में ये भी बता रहे होते कि कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब मेडिसिन वगैरह खाते हैं अपने की को बढ़ाने के लिए, जो कि अमीर बाप के बच्चे होते हैं, लेकिन वो जो कैपेबल नहीं होते इन टेस्ट के अंदर। अगर मेरे हाथ के अंदर जो है चिकन होता है और अगर मैं तेरे को बता दूं कि तुम्हें जो इसको मारना है, अगर तुम फेल हो जाते हो इसे नहीं मारते हो, तो क्या तुम सच में जो है किसी लोगों को मार सकते हो। क्योंकि एक बंदे को मारना चिकन को मारने से ज्यादा हार्ड होता है। मैं फिर देख रहा होता सोच रहा था कि क्या ये जो इस तरीके से बातें कर रहा है कि किसी को मारना जो है एक नेचुरल टाइप की चीज है, और एक्चुअली में इसने किसी को पहले मारा है ऐसे लग रहा है मेरे को। और ये वर्ल्ड जो है जहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, क्या यहाँ पर जो है लॉज वगैरह नहीं है किसी को मारने के लिए, ये क्या सीन है यहाँ पर। और साथ में मेंशन किया जाए तो ये जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और ये किसी को मार सकता है। और इसी के साथ घर पे आ जाता है और एमसी की सिस्टर बता रहे थे कि क्या हो चुका है पिंक पिंक, तुम जाओ स्कूल नहीं गए थे क्या। ऐसे बता रहा होता है कि नहीं, मैं जो बस गया था सीनियर को घर भिजवाने के लिए मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से, और वापस से हमें जो उसे स्कूल लेकर आना है एक स्पीच के लिए। और यहाँ पर रूम के अंदर आ जाता है, वही सोच रहा होता है कि लोगों को मारने वाला सीन, और फिर सोच रहा होता है कि सच में लोगों को मार सकते हैं, ये जो कैसे इतना ज्यादा नेचुरली बोल सकता है। और फिर बता रहा होता है कि अब जो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसने जो है किसी को मारा है पहले। और ऐसे यहाँ पर कॉल भी आ जाती है और हमें जो है वो सीनियर दिखाया जाता है जिसे कॉल आ जाती है। फिर बता रहे थे कि सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए, लेकिन कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो सस्पेक्ट जो है भाग चुका है कौन सी सिटी के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पर। और फिर बता रहे थे कि मैंने तेरे को बोला नहीं था कि तुम्हें जो कुछ भी नहीं करना चाहिए, और जब तक वो सस्पेक्ट जो है सेम पोजीशन में नहीं होता जहाँ पर मैं हूँ, तुम्हें उस पर बस नजर रखनी चाहिए। और फिर बता रहे थे कि सॉरी, लेकिन अगर वो इस दफा भाग जाएगा तो हायर जो है हमें ब्लेम करेंगे और हमारे हेल लग जाएंगे। फिर बता रहे थे कि वो जो है तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओके सर, मैं जो तुम्हें पूरे 5 लाख दे देता हूँ कि तुम अगर इसे पकड़ लेते हो जिंदा या मुर्दा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ पर जो है सोच रहा होता है क्या हो रहा है, एनर्जी आ गई और ये जो है की एन ब्लड वाला सीन कर रहा होता है। अभी भी 10,000 पड़े हैं इसके पास और यहाँ पर की एन ब्लड इसका जो है बढ़ जाता है और पैसे 0 हो जाते हैं। इसके अचानक से एल वापस लग जाते हैं और इसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ऐसी दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है। फिर बता रहा था कि यार मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और पिछले दफा जब मैंने की एन ब्लड एड कर लिया था हर चीज ठीक थी, लेकिन इस दफा मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ। और जब खुद को देखता है फिर बता रहा होता है कि रुको जरा, ये जो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है ना ये की एन ब्लड एड करने की वजह से। फिर बता रहा होता है लेकिन फिर भी मेरे को जो है आदत हो रही है इसकी और मेरे को लग रहा है कि मेरा जो ब्लड है वो मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। फिर बता रहा था, हाँ याद आया, मैं जो हूँ भूल चुका था कि मुझे जो है वो सीनियर को लेकर जाना था स्कूल ही। और जैसे जाता है टकराता है इससे और फिर बता रहे थे कि सॉरी। और वो बंदा बता रहे थे कि ये मैटर नहीं करते, उसके पास जो है नाइफ होती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। एमसी भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है एमसी के क्या ये नया बंदा है जो कि यहाँ पर आ चुका है, बहुत ज्यादा वियर्ड फील हो रहा है वो एमसी को देखता है। और इसी के साथ हमें वही सीनियर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और इन्होंने ऑलरेडी सीट रख दी होती है। और ये बता रहे होते कि हमारा स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है कि उसने जो सीनियर को बुला लिया यूनिवर्सिटी से हमारे स्कूल में लेक्चर देने के लिए। और बता रहे होते कि इतना ज्यादा ग्रेट क्यों है कि एक ग्रेजुएट जो वापस से हमारे और स्कूल में आ रहा है। और ये फिर बता रहे होते कि कॉमन ग्रेजुएट जो है वो स्कूल में जब आते वो इतने ज्यादा ग्रेट नहीं होते, लेकिन ये जो है डिफरेंट है क्योंकि ये मार्शल आर्टिस्ट है। और तुम्हें जो सोचना चाहिए कि मार्शल आर्टिस्ट जो है वो इस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ही कम है, और साथ में जो है ये फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, तो ये अमेजिंग है। एमसी भी देख रहा था मार्शल आर्टिस्ट और ये भी एमसी को टैप करता है और फिर बता रहा था कि मुझे पता है कि तुम लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हो मार्शल आर्ट के अंदर, तो तुम्हें जो है यही करना चाहिए और ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी जो है अभी भी फाउंडेशन है उसके लिए। और एमसी को भी बता रहा होता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने कौन सा मेडिसिन ले लिया है, लेकिन तुम्हारा जो की ब्लड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो भी काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर। एमसी बता रहा था कि क्या इसे पता चल चुका है। और फिर बता रहा होता है कि ऐसा मेडिसिन जो है वो तुम्हें कैजुअली नहीं लेने चाहिए क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से जो है तुम्हारे एल लग सकते हैं, और अगर तुम जो
मेडिसिन लोगे और फिजिकल बॉडी को इग्नोर करोगे तो तुम जो हो मर भी सकते हो उसकी वजह से। मैं उसी बता रहा था कि थैंक यू ये रिमाइंड करने के लिए, और सोच रहा था कि सर मैं ये जो मार्शल आर्टिस्ट है इसने जो है मेरे को सेंस भी कर लिया मेरी बॉडी के की इन ब्लड को। और इसी के साथ रात हो जाती है, जो कि एमसी बाहर लगा होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है, प्रैक्टिस बोले तो एक्सरसाइज बोले, फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल ही थका हुआ नहीं लग रहा हूँ, क्या ये जो है हो सकता है कि मैंने जो है अपनी की इन ब्लड इंक्रीज कर दिया है। और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे जो है उस लड़के की बातें सुननी चाहिए और ट्रेन करना चाहिए खुद को फिजिकली। अचानक से इस पे जो है वो किलिंग इंटेंट आता है और ये पीछे देखते वही बंदा होता है जो कि देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है रुको जरा ये वही लड़का था ना जो कि सुबह के टाइम था और मैंने जो है लगता है सेंस किया ब्लड लॉस को। फिर बता रहा होता है कि कोई नहीं है, मैं जो ऐसी कुछ सारी चीजें मतलब वो फोकस कर रहा हूँ किसी चीजों पे जिस पे नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर न्यूज वगैरह चल रही होती है, ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट मर चुका था, उसके पार्टनर ने मार दिया था जब उन्होंने रॉबरी कर ली थी क्योंकि उन्होंने सही तरीके से लूट बांटा नहीं था तो फाइट हो चुकी थी आपस में और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। और वो बता रहे कि सस्पेक्ट जो है वो आखिरी दफा बैंक सिटी में देखा गया था। तो हम जो एडवाइस करेंगे नेबरहुड के बारे में कि आसपास लोगों पर ध्यान रखो, आपने दरवाजे वगैरह बंद कर दो, विंडोज भी बंद कर दो। एमसी की सिस्टर बता रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे जो है स्कूल नहीं जाना चाहिए इस दफा, अगर कुछ हो जाता है मेरे को तो पूरा वर्ल्ड जो है वो काफी ज्यादा डर जाएगा मेरी क्यूटनेस की वजह से। जो एमसी बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये जो गुस्से में होती है। यहाँ पर न्यूज भी आ रही होती है, जहाँ तक वीडियो एनालाइज कर लिया गया है बंदे ने मार दिया था और यहाँ पर जो है उसने नाइफ से मारा था, वही नाइफ होती है जो कि एमसी ने देख रखी थी और इसे याद भी आ रहा था। इसे देखकर फिर बता रहा था कि ये नाइफ जो है मेरे को याद है कहीं देखी थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बंदा जो आ जाता है एमसी को मारने के लिए, दरअसल ये जो है ड्रीम देख रहा था और डायरी घुट जाता है। फिर बता रहा था कहाँ याद आया, वो नाइफ जो है मैंने देख ली थी जो कि उस बंदे के पास थी और वो जो है नाइफ सेम ही थी और ये जो बस ड्रीम था, लेकिन जो ब्लड लस्ट मैंने फेल्ट कर लिया था जब मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था। और जहाँ तक न्यूज में भी बताया था कि वो जो है ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट है तो वो वही था जो कि पास में आ चुका है इसी बिल्डिंग के अंदर, जो कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और क्या वो जो मुझे टारगेट तो नहीं करेगा, और क्या पता उसे जो है मेरे पैसों के बारे में पता चल चुका। फिर बता रहा था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, हम जो गरीब फैमिली है क्या ये हो सकता है कि सिस्टम की वजह से वो आ चुका हो यहाँ पर, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। बता रहा था कि वो ड्रीम जो है बहुत ज्यादा स्केरी था, मैं काफी ज्यादा डर चुका था और मैं होप करूंगा कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेरे को जो है पहले ही चीजें करनी पड़ेगी इससे पहले जो है वो मेरे फैमिली को चोट पहुंचा दे। और यहाँ पर सुबह हो जाती है और यहाँ पर न्यूज में ये बातें चल रही थी कि कुछ लोग बताना चाह रहे कि हमें जो है लॉकडाउन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए सिटी के अंदर एक ग्रेड 2 के मार्शल आर्टिस्ट की वजह से। दूसरे बता रहे थे कि क्या तुम्हारा ओपिनियन है एक्सपर्ट, ये फिर बता रहे थे कि हमें जो है लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनके पावर की वजह से, ये जो है ग्रेड 2 का है तो ये काफी ज्यादा लोगों को भी मार सकता है और ये बंदा यहाँ पर ये सुन रहा होता है न्यूज। और फिर बता रहे थे कि ये बास्टर्ड जो है ये मेरे को ढूंढ रहे, मेरे को कहीं पर छुपना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर वैसे भी सीसीटीवी कैमराज वगैरह नहीं है स्ट्रीट पे तो मेरे को यहीं पर ही कुछ टाइम के लिए लेना पड़ेगा और हर कोई जो इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाएगा। और कोई दरवाजा बजाता है, ये भी देख रहा था कि कौन है, और एमसी बजा रहा होता है और ये भी देख रहा होता है। और यहाँ पर आ जाते फिर बता रहे थे कि नाइस टू मीट यू न्यू रेसिडेंट, मैं जो कल बस यहाँ पर आ चुका हूँ कुछ चाहिए क्या, लेकिन देख लेता है क्या, और नीचे भी जाता है एमसी अंदर घुस चुका होता है। फिर बता रहे थे कि गुड मॉर्निंग अंकल, ये सोच रहा था कि साला ये जो कब कैसे अंदर चला गया। फिर बता रहे थे कि मुझे जो है शांत हो जाना चाहिए, वैसे भी मैं जो हूँ अच्छा बंदा हूँ इनके सामने तो। और फिर बता रहे थे कि लिटिल ब्रदर मुझे लगता है तुम गलत जगह पे आ चुके हो, ये तुम्हारा रूम तो नहीं है। एमसी बता रहे थे कि हाँ अंकल मैं जो हूँ बस फुटबॉल देखना चाहता था लेकिन हमारा टीवी खराब था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ देखने के लिए और साथ में मैं खाना भी लेकर आ चुका हूँ, कैसा रहेगा शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर लग जाता है ये जो फुटबॉल देख रहा होता है और ये बंदा तो गुस्से में होता है और फिर बता रहे थे कि साला हो क्या रहा है, जो ये कह रहा है वही मैं चीज कर रहा हूँ, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्या पता ये जो कोई सीक्रेट एजेंट हो जिसको जो है डिटेक्टिव एजेंसी ने भेज दिया यहाँ पर। ऐसे ही मतलब बोल रहा था कि यार मैं जो सही नहीं हो रहा है, सही बोल रहा हूँ ना अंकल। और ये देख रहा था सोच रहा था कि यार मेरे को लगता है ये जो कोई स्टूपिड बंदा है जो कि बहुत ज्यादा और फ्रेंडली है और मुझे जो इसे मारना पड़ेगा ताकि ट्रबल वगैरह क्रिएट ना हो। फिर बता रहा था रुको जरा ये जो काम नहीं करेगा क्योंकि और ज्यादा ट्रबल जो क्रिएट हो सकता है तो इसलिए मुझे जो है इसे किसी तरीके से यहाँ से निकालना पड़ेगा। और इसको बता रहा था कि क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, इसे बता रहा था कि नहीं अभी जो स्कूल नहीं है वीकेंड से। इसे बता रहा था अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहे होंगे। और इसे फिर बता रहा था कि अंकल तुम चाहते हो कि मैं जो यहाँ से चला जाऊँ, डिप्रेशन की टाइप का कर रहा होता है। फिर बता रहा था कि नहीं बस मुझे जो तुम्हारे बारे में चिंता है। इसे बता रहा था अच्छा चलो मैं समझ चुका हूँ, मैं जो बस क्यूट यंगस्टर हूँ जो कि ट्राई कर रहा है अंकल के साथ फ्रेंडली होना लेकिन लगता है कि मैंने डिस्टर्ब कर लिया अंकल को, मैं जो बस तुम्हारे साथ फ्रेंडली बनना चाहता था क्योंकि तुम न्यू नेबर हो लेकिन लगता है मैंने डिस्टर्ब कर लिया तुम्हें, मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं हो, मैं जो बस लोनली हूँ, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। और ये भी देख रहा होता है फिर बता रहा था कि सर ये मेरा फॉल्ट था। मैं बता रहा था कि ठीक है चलो मैं हेल्प कर लेता हूँ क्लीन अप करने में और मैं जल्दी से सब कुछ कर लूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर लग जाता है जल्दी से ये बंद करता है। मैं बता रहा था कि क्या हो चुका है और फिर सोच रहा होता है कि भाई मेरे को जो है डार्क में रहना चाहिए और साला ये जो कर्टन खोला है। फिर बता रहा था कि मैं जो सेंसिटिव हूँ यूवी रेस से सूरज की रोशनी से। मैं बता रहा था अच्छा कैसा रहेगा मैं जो हूँ साफ कर लेता हूँ बेड को रूम को तुम्हारे लिए। फिर बता रहा था कि नहीं थैंक यू ये चीजें करने के लिए लेकिन मैं जो सब कुछ खुद ही साफ कर लूंगा। बता रहा था अच्छा लेकिन कोई नहीं हम जो है दोनों मर्द ही हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तेरे चड्डी वड्डी देख लूंगा तो। और फिर बता रहा था कि नहीं अभी टाइम नहीं हो चुका है तुम्हें वापस से घर पे जाना है ना, खाना वगैरह नहीं खाना है क्या। और सोच रहा था कि साले ये स्टूपिड है ये जो क्यों नहीं जा रहा है। और फिर देखते फिर बता रहा था मेरे को लंच करना है और फिर बता रहा था कि चलो मैं चलता हूं। फिर
फिर बता रहे थे ठीक है, और सोच रहे थे कि फाइनली गया एमसीजे, ऐसे ही ट्रिप होता है और गिर जाता है यहाँ पर, और ये शो कर जाता है देखकर, क्योंकि वो बॉक्स से जो है डायरेक्ट नाइफ भी निकलती है और कपड़े भी निकलते हैं। एमसी बता रहा था कि ये क्या है, और जैसे देखते वो यहाँ पर आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए, और रख के मारते हैं एमसी पीछे जाके लग जाता है और ये नाइफ निकाल देता है। एमसी की भी हालत खराब होती है, ये भी जो रेडी हो जाता है एमसी को मारने के लिए और हंस रहा होता है, एमसी भी इसे देख रहा होता है। फिर बता रहे अंकल तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, मैं जो कुछ भी लीक नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ बात नहीं निकलेगी। और फिर एमसी बता रहा होता है कि तू जिंदा ही नहीं बचेगा लीक करने के लिए, मैं तेरे को मार दूंगा, और एमसी को मारने वाला होता है। एमसी सोच रहा था कि साला मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अचानक से जो है रुक जाता है और फिर बता रहा होता है कि हो क्या रहा है, क्या मुझे इसने ड्रग दे दिया था। फिर बता रहा होता है सर इसने वो चीज दी थी ना मेरे को, और एमसी डायरेक्ट जो नाइफ फेंक देता है और पीछे जाता है, और ये उठा लेते इसे रख के मारते हैं यहाँ पर। फिर बता रहा था कि फाइनली वो ड्रग जो इफेक्ट करने लग चुके हैं इस पे, और थैंक गॉड मेरे को जो स्टिक वगैरह मिल चुकी थी जब मैं यहाँ पर आ चुका था। और ये वापस से उठता है और बता रहा होता है कि क्या ये बेहोश क्यों नहीं हुआ है, और आ जाते हैं रॉक के एमसी को मारता है, और इसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर बता रहा होता है कि साला मैं जो रिबॉर्न हो चुका हूँ, अच्छा मेरे पास सिस्टम वगैरह है, अगर ये नहीं होते तो मैं मारा जाता, और लग जाता है इसे रॉक के मार रहा होता है, और ये पीछे जाके गिर जाता है। बंदा यहीं पर ही मारा गया। एमसी बता रहा होता है कि साला मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये जो है ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट है, काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं जो हूँ इसे वो ड्रग वगैरह नहीं देता ड्रिंक के अंदर तो मैं जो हूँ मारा जा चुका होता कब से, काफी ज्यादा स्केरी है। इसके साथ थोड़ी देर गुजर जाती है, एमसी लग जाता है पैसे काउंट करने में, यहाँ पर $2,00,000 मिल जाते हैं। फिर बता रहा होता है यार ये बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन ये पैसे जो है सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, सिस्टम में शो नहीं हो रहे थे। एमसी बता रहा था कि इसका मतलब ये कि ये पैसे मेरे नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर सिस्टम में शो नहीं हो रहे। और साला उसको ऐसे बांध रखा है जैसे लड़की को बांधते हैं, वो समझा करो कौन सी मूवीज में। और ये भी सोच रहा था कि मैंने नोटिस कर लिया कि इसके पास जो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में की इन ब्लड है, क्या ये जो मार्शल आर्ट स्टूडेंट है। और बता रहा होता है कि मैं जो हूँ ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे जो है कोई स्टूडेंट हरा सका है, क्या ये जो है डिटेक्टिव एजेंसी वगैरह से है क्या। और फिर बता रहे होते कि तुम हो कौन, बता रहे होते कि मैं जो हूँ डिटेक्टिव एक्स हूँ, जो कि एक क्रिमिनल को पकड़ता हूँ। और फिर बता रहे थे डिटेक्टिव मेरी गांड तू जो है करके आ रहा है। ऐसे बता रहे होते कि तुम जो वॉन्टेड क्रिमिनल हो, बस तुम 2,00,000 के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हो, और साथ में कुछ बोतल पिल्स वगैरह के तुम्हारे पास। फिर बता रहे होते कि तू पागल हो चुका है, अपने जो है काम कर तू। और सोच रहा होता है कि मैं जो उन पिल्स को लेकर आ चुका था ब्रेक थ्रू करने के लिए, और मैं जो हूँ ग्रेड 3 का मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पिल जो है किसी दूसरे बंदे के हाथ पड़ जाएंगे, वो भी स्टूपिड के। और फिर बता रहे होते कि मार्शल आर्ट स्टूडेंट कैसे रहेगा, हम जो डील कर लेते हैं। और बता रहे होते कि तुम जो हो ये पैसे रख लो, पिल्स भी रख लो, और फिर मेरे को जो है बस छोड़ दो, और साथ में 2 और भी कीन ब्लड के पिल्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि एक नॉर्मल पिल है, जो ग्रेड 1 की पिल है, और भी चीजों के बारे में बता रहे होते कि ये चीजें हैं, तो सब कुछ जो कंबाइन कर दिया जाए तो 5.24 मिलियन के मेरे पास चीजें पड़ी हुई है। एमसी सोच रहे थे कि सर में ये पिल जो बता रहे हो इतने सारे महंगे हैं, मेरे को पता भी नहीं था। एमसी को बता रहे थे कि कैसा रहेगा इसके बारे में, और ये पिल जो है वो तुम्हारे लिए यूजफुल रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए, जो कि होने वाला है फ्यूचर में भी, एमसी देखता है। और फिर बता रहे थे कि जो काफी ज्यादा इफेक्टिव पिल्स है, नॉर्मल पिल्स है, जो कि बोन हार्डनिंग पिल्स है, और साथ में जो है नर्सिंग पिल है। और मार्शल आर्टिस्ट जो है डिफरेंट होते हैं आम लोगों से, अगर उनके पास जो है हार्ड बोन्स नहीं होते हैं और वो जो है यूज नहीं करते हैं पिल्स ताकि वो जो है प्रोटेक्ट कर ले अपने ऑर्गन्स को, तो अगर वो जो है की इन ब्लड के ये चीजें ले लेते हैं तो अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है वो जो मारे जाएंगे। एमसी भी देख रहा होता है, इसको दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा होता है। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम जो ये चीजें फ्री में ले सकते हो, खुद को ट्राई कर रहा होता है खोलने का। और फिर बता रहा होता है अगर तुम जो हो मुझे पुलिस को दे दोगे तो जितनी भी चीजें तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस वाले ये चीजें ले लेंगे, तुम मेरे को मारोगे तो वो भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो जो मेरे को काफी ज्यादा टाइम से ढूंढ रहे, तो तुम जो हो आराम से नहीं बचने वाला, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं वो पकड़ लेंगे बाद में, और तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा हाई अमाउंट का कीन ब्लड है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तो कैसा रहेगा। और सोच रहा होता है कि ये ड्रग जो है इसने मेरे को दे दिए थे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मेरे को कुछ टाइम चाहिए होगा वापस अपने स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए। एमसी देख रहा होता है, सोच रहा था कि ये सच है, अगर मैंने इसे मार दिया तो पुलिस मेरे को ढूंढ लेगी, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये जो है रिवेंज मेरे पे जरूर लेगा, क्योंकि ये जो है मार्शल आर्टिस्ट लेवल 2 का है, तो ये काफी ज्यादा रिस्की है, क्या मुझे इसे पुलिस को दे देना चाहिए, लेकिन ये चीजें जो है काफी ज्यादा मिलियंस की है और जो कि मेरे को चाहिए। और अगर तुम्हें जो मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हें जो है कीन ब्लड होना चाहिए 150 का, और मेरे को अगर मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो मेरे को काफी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, साथ में सिस्टम के लिए भी काफी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अपग्रेड करने के लिए, तो ये 5 मिलियन युआन जो है अगर मैं यूज करूंगा तो सिस्टम मेरे को काफी ज्यादा ये चीजें दे देगा, जो कि इन ब्लड है, लेकिन अगर मैं सिस्टम यूज नहीं करूंगा तो ये पिल भी काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे मेरे लिए। और फिर बता रहा था यार डिसीजन काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है, और फिर इसे याद आ रहा होता है उसके बारे में, और सोच रहा था कि रुको जरा मैं उसकी हेल्प तो ले सकता हूँ, लेकिन रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्शल आर्टिस्ट के लिए, क्या होगा कि वो जो ट्राई कर ले मेरे को भी मारने के लिए इन चीजों को लेने के लिए। मैं इसको बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हो। मैं सोच रहा था अगर मैं जो इसे खोल दूंगा ये जरूर मेरे को मारने वाला है। फिर बता रहा था कि 5 मिलियन युआन जो है तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तो मेरे को जो छोड़ दो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ना। ऐसे सोच रहा था यहाँ पर जो काफी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है इन दोनों चॉइस के अंदर, कि अगर इसे मैं मारूंगा तो पुलिस मेरे को पकड़ेगी, इसे छोड़ूंगा तो ये मेरे को मारेगा, तो मेरे को जो है डिसीजन सही वाला बनाना पड़ेगा, और डायरेक्ट स्टिक उठा देता है। फिर बता रहा था कि तू क्या कर रहा है, ऐसे फिर बता रहा था कि मैंने इसके बारे में सोच लिया, अगर मैं तेरे को छोड़ूंगा तो तुम जो मेरे को ये चीजें दोगे ना। और ये फिर बता रहे थे कि ऑफकोर्स मैं जो हूँ वो बंदा हूँ जो कि अपने प्रोमिसेस रखता है, अभी भी ट्राई कर रहा होता है खुद को खोलने के लिए, और खोल भी देते हैं, और आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन एमसी रख के इसे सर पे मारता है। और इसी के साथ हमें माउंटेन वाला साइड
फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पर ये आ चुका होता है। क्या कर रहा है ये? और बता रहा था कि मैंने हर जगह देख लिया है लेकिन वो बंदा किधर है उसको ढूंढना है जो कि एमसी के पास ऑलरेडी है। ऐसे कॉल भी आ जाती है, देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि क्या तुमने जो है सुन लिया है। एमसी जो है कॉल कर लेते इसे, फिर बता रहा था हेलो एमसी, बता रहा था कि मैं हूँ फैंक, फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है, तुमने मुझे क्यों कॉल की है। एमसी फिर बता रहा था कि मेरे को पता नहीं कि कैसे बोलूं, लेकिन क्या तुम जो अभी भी सिटी के अंदर ही हो ना, ये फिर बता रहे थे। हाँ एमसी बता रहे थे, एक्चुअली मैं जो हूँ मिल चुका था एक वांटेड क्रिमिनल से और एक्सीडेंटली मैंने उसे चोट पहुंचा दी है। ये सोच रहा था वांटेड क्रिमिनल। एमसी बता रहा होता है कि तुम जो अकेली मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि इस सिटी के अंदर है और जिसे मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो कि ये आ जाते हैं, सोच रहे थे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट है जो कि क्रिमिनल वगैरह है। क्या सच में उसने इसे पकड़ लिया है? और भले मैं जो उस क्रिमिनल से भी फाइट करता हूं उससे मिलता तो मुझे भी ग्रेटफुल उसके लिए रहना पड़ता। और ये आ जाते हैं, बता रहे थे कि तुम आ चुके हो जल्दी करो अंदर आ जाओ, और मुझे लगा तुम नहीं आने वाले हो। ये फिर बता रहे थे कि नहीं ये कोई भी इशू नहीं था, मैं जो हूँ आसपास ही था, लेकिन फिर भी जस्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे सामने देखते हैं एमसी ने बांध रखा होता है इसे और ये देख लेता है कि वही है। एमसी बता रहा था कि ये बेहोश है अभी के लिए। एमसी इसे बता रहा था कि ये जो बेहोश है, फिर बता रहा था कि ब्रदर, और एमसी बताते कि ब्रदर अगर मैं जो हूँ पुलिस को बता देता इसके बारे में तो क्या मुझे जो है कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे इससे। ये फिर बता रहा था कि क्या बोले तुम्हारा, थोड़ा बता सकते हो मतलब क्या है तुम्हारा। एमसी फिर बता रहा होता कि चलो मैं जो डायरेक्ट आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा चीजें इससे मिल चुकी है जो कि इसके पास थी, और मैं चाहता हूँ कि इसे जो है मैं रख दूँ अपने लिए। और ये देख रहा होता फिर बता रहा था अच्छा तुम चाहते हो इन्हें रखना, तुम्हें पता नहीं है कि ये जो क्रिमिनल क्यों है, क्योंकि इसने जो है काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया था। एमसी बता रहे होते कि हाँ इसलिए मैं जो तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। ये फिर बता रहा था कि क्या, एमसी बता रहा होता कि चलो हम जो है ये लूट आपस में बांट लेते हैं और तुम्हें जो इसका ध्यान रखना है जो भी करना है कर लो। और फिर बता रहे होते अच्छा तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, हम जो है जरूर फ्यूचर के अंदर जो है मिलेंगे दोबारा से, लेकिन फिर भी मेरे को जो है तुम्हें कुछ पहले बता देना चाहिए कि तुम जो है यूज नहीं कर पाओगे जो कि बोर्ड हार्डनिंग पिल्स है ग्रेड 2 वाली इसके अंदर। तो कैसा रहेगा मैं जो तुम्हें ग्रेड 1 के पिल दे देता हूँ और साथ में तुम्हें ट्रांसफर भी कर देता हूँ 1 मिलियन युआन। और वैसे भी मैं जो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाला था, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ पिल्स को इजिली, लेकिन मेरे को ये आइटम चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे तो मैं जो इसे रख लेता हूँ। और हाँ तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। अगर तुम्हें जो फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो मेरे से मांग लेना। और चलो ठीक है हमने बातें कर ली है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए इसके बारे में, मैं जो इसके साथ कर लेता हूँ जो भी करना है। ऐसी सोच रहा था कि सच में इसके जेब के अंदर ऑलरेडी कोई चीज भी थी यार, मेरे को चेक कर लेनी चाहिए थी, इसने निकाल दी इस तरीके से। ऐसे बता रहा था कि थैंक यू, मैं जो वो चीजें ले लूंगा जो कि तुम्हें नहीं चाहिए। और सोच रहा था कि चलो ठीक है, वैसे भी ये जो है काम कर रहा है, और साथ में ये आइटम जो है मैं अपनी वेल्थ वगैरह बढ़ा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में पैसे अभी आ जाते हैं क्योंकि इसे फाइनली मिल चुके हैं। और देख लेता फिर बता रहा था रुको जरा, ये आइटम जो है 3.5 मिलियन के थे ना, तो इनके जो पैसे है यहाँ पर 2.4 मिलियन के शोर है। क्या इसका मतलब ये कि सिस्टम जो इग्नोर कर लेता है मार्केट प्राइस को और डायरेक्ट जज करता है इनकी प्राइस जो कि एक्चुअल वैल्यू है इसकी, मतलब कि मार्केट में तो तुम इन चीजों को महंगा बेच सकते हो लेकिन सिस्टम जो है एक्चुअल वैल्यू बताता है। और फिर बता रहे थे कि चलो समझ चुका हूँ। और फिर बता रहे थे हाँ याद है, एमसी बता रहे थे कि ब्रदर क्या होगा अगर पुलिस जो है इसके कॉन्फेशन को रिकॉर्ड करना चाहे तो, क्योंकि मतलब पता चल जाएगा ना इसके पास आइटम्स वगैरह थे। फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, इससे जो है मौका ही नहीं मिलेगा अपना मुंह खोलने के लिए। वैसे भी ये जो वांटेड क्रिमिनल है तो इसे ऑलरेडी मर जाना चाहिए था, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर एमसी को मैसेज आ जाता है कि उस लड़के ने एमसी को पूरे 1 मिलियन भेज दिए होते इसके अकाउंट के अंदर। ऐसे एमसी सामने देखता है इसका सिस्टम टूट जाता है और डायरेक्ट अपग्रेड हो जाता है एक नए सिस्टम के अंदर। ऐसे देख रहा होता है फिर बता रहा होता है कि ये नया वर्जन काफी ज्यादा अच्छा है, वैल्यूज भी चेंज हो चुकी है। पहले ये था कि सही तरीके से वैल्यू नहीं दिख रही थी की इन ब्लड की, लेकिन अभी सही दिखेगी। और फिर बता रहा होता है कि चल अगर तेरे पास पैसे होंगे तो तब जो है तुम खुद को अपग्रेड कर सकते हो, ऐसे भी एड हो रहे होते जो कि और सेंड कर दिए होते हैं। और फिर बता रहा होता है कि सच में ये जो काम कर सकता है, लेकिन देख लो भाई तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तुम स्ट्रांग हो सकते हो, अगर नहीं होंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। यहाँ पर आ जाता है और एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, मैं तुम्हें कुछ डिलीवर भी करूंगा वो भी रिसीव कर लेना। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या कुछ है क्या, एमसी इसे थैंक कर रहा होता है। फिर एमसी को बता रहा होता है कि जब से मैं पैदा हो चुका हूँ कुछ ही लोग हैं जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ, उनमें से तुम ही हो। एमसी देख रहा होता है, सोच रहा होता है यार बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है इस तरीके से बोल रहा है। और यहाँ पर डायरेक्ट एमसी की सिस्टर आ जाती है, रख के इसे मारती है कि मुझे भूख लगी है जल्दी करो, क्योंकि एमसी बता रहा होता है कि खुद ही चली जाओ खाना खाने के लिए। फिर बता रही होती है कि अगर मैं जो तुम्हारे पैसे यूज करूंगी तो मैं क्यों वेस्ट करूंगी पैसे, और चुप हो जाती है डायरेक्ट। फिर बता रही होती है कि तुम कैसे जो अपनी सिस्टर को इस तरीके से घर पे छोड़ सकते हो। एमसी बता रहा होता है कि अच्छा मैंने सुन लिया कि तुम क्या बोल रही थी कि मेरे पैसे को यूज करोगी, फिर बता रही थी कि सॉरी सॉरी। और ये एमसी को देती कि ये ले लो जिन बैंक ने सेंड कर दिया, ये एमसी बता रहा था कि ऑलरेडी आ चुका है। और फिर बता रही थी गुरु को जरा ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। और फिर बता रही थी गुरु को जरा तुम जो हो इसको कैसे जानते हो, ये जो है मार्शल आर्टिस्ट वो स्टूडेंट है ना। और फिर बता रही थी कि बिग ब्रदर तुम जो कब इसके साथ मिल चुके हो, कब से इसके जानते हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसकी सिग्नेचर को देने में ताकि मुझे सिग्नेचर मिल जाए। ऐसे बता रहा था कि तुम क्या बोल रही हो। और फिर बता रही होती कि तुम जो इडियट हो तुम अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि वो जो कैसा कितना ज्यादा हॉट है। एमसी बता रहा था अच्छा मुझे इडियट से नहीं सुनना है। फिर बता देती कि 5 में से 3 लड़के जो उसे पसंद करती है और 2 जो है उसके पीछे बिल्कुल ही पागल होती है, और साथ में जो कुछ लड़के भी उसे पसंद करते हैं एडमायर करते हैं, अगर उसका सिग्नेचर जो है पूरे $10,000 तक भी बिक सकता है, और अगर हम जो इस तरीके से उसके सिग्नेचर को ले लेंगे बेचेंगे हम जो मिलियनेयर बन सकते हैं जो कि बेस्ट रहेगा। हमसे बता रहे थे कि बस हो चुका है क्या कर रही हो तुम। और फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा अगर
मुझे सिग्नेचर उसके दे देते हो तो मैं उसे सेल करूंगी और 70% मैं प्रॉफिट रखूंगी, 30% तुम्हें मिल जाएगा और हम जो काफी ज्यादा पैसे कमा लेंगे, इतने ज्यादा कमाएंगे कि हमारे जो पिगी बैंक है वो भी एक्सप्लोर हो जाएंगे। और फिर देख रही थी एमसी जो यहाँ से जा चुका होता, फिर बता रहे थे कि वो किधर गया और फिर बता रहे थे कि इस तरह का हम जो डील चेंज कर लेते हैं, मैं जो तुम्हें 40% दे दूंगी और मुझे 60 मिल जाएंगे। एमसी जो बाहर आ चुका होता फिर बता रहा होता कि यार ये जो है अचानक से क्या भेज दिया इसने मेरे को, और जैसे इसे देखता है शौक हो जाता है क्योंकि मार्शल आर्ट की बुक्स और टेक्निक्स होते हैं। और दरअसल मार्शल आर्ट के अंदर अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तुम्हें जो है दो चीजें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो ये कि तुम्हारा जो की इन ब्लड होगा वो एटलीस्ट 150 पे होना चाहिए और दूसरी चीज जो है वो ये कि तुम्हारे बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि तुम मेडिसिन वगैरह लेकर नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें जो है कल्टीवेशन और प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। हर से बता रहा होता है अच्छा मेरे को अभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी टेक्निक को ढूंढने के लिए क्योंकि उसने मेरे को दे दिए हैं और मैं पिक नहीं कर रहा था कि वो मेरे को सेंड करेगा ये। और फिर बता रहा होता है कि साथ में मेरे घर के बाहर जगह भी काफी ज्यादा छोटी है तो वहां पर मैं सही तरीके से प्रैक्टिस और नई कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और इसी के साथ एमसी को डायरेक्ट एक बंदा मिल जाता है जो कि घर बेच रहा होता है और इसी के साथ एमसी को एक जगह पे लेकर आ जाता है जिसे ये घर दिखा रहा होता, फिर बता रहा था कि ये जो 4.5 लाख का है। एमसी देख रहा होता फिर बता रहा था ये घर जो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन प्राइस जो है थोड़ी सी ज्यादा है। और ये देख रहा होता एमसी को सोच रहा होता कि इसे देखकर ही पता चलता है कि ये जो एक स्टूडेंट है, फिर बता रहा होता कि ये रेसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा महंगा टाइप का जगह है, क्या तुम चाहोगे चीप टाइप की जगह देखने के लिए जो कि आसपास मिल सकती है। और बता रहे होते कि नहीं मुझे जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। और फिर बता रहे होते हाँ थैंक यू तुमने जो राइट डिसीजन बना लिया, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर कोई भी दूसरे रेसिडेंट तुम्हारे जैसे नहीं है और साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा ऑफर्स भी मिल सकते हैं, हम जो नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसिंग वगैरह के बारे में। और साथ में जो है ये जगह आ जाती काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ जो कि फ्री के अंदर है, जैसे कि एग्जांपल है कि तुम्हें जो है अनलिमिटेड 5G इंटरनेट भी मिल जाएगा और साथ में फ्री प्रीमियम टीवी प्लान भी मिल जाएगा और 40 न्यू रेसिडेंट को हम फ्री जो है सैमसंग टीवी दे सकते हैं, भाई सैमसंग बोल दे। और फिर बता रहे थे अगर तुम साइन कर लोगे यहाँ पर तो हम जो है तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकते हैं जो कि 95% डिस्काउंट है। रुको जरा, 95% डिस्काउंट है या 5% डिस्काउंट होगा, क्योंकि 95% तो लॉजिकली ही नहीं है। और फिर बता रहे थे कि हमारी कंपनी साथ में कवर भी करेगी तुम्हारे जितने भी टैक्स वगैरह है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, हर चीज है खुद ही हम करेंगे, और अगर तुम जो 20% डिपॉजिट दे देते हो तो हम तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे। और फिर एमसी की और तारीफ कर रहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी, मुझे पता था कि तुम जो काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ज्यादा अच्छा है। एमसी बता रहे थे ठीक है तो क्या मैं आ सकता हूँ, फिर बता रहे थे हाँ तुम जो कभी भी चाहो आ सकते हो यहाँ पर और तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एमसी बता रहे थे चलो ठीक है। एमसी भी आ जाता है बाहर, बता रहे थे यार मैं कैसे अपने पेरेंट को बताऊंगा कि मैंने घर ले लिया है और कैसे बताऊंगा ये पैसे कहाँ से आ चुके हैं, मेरे को अभी सीक्रेट रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और मेरे को वैसे भी जगह मिल चुकी है प्रैक्टिस करने के लिए तो ये काफी जरा अच्छी है, अभी टाइम आ चुके हैं कुछ फर्नीचर वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर न्यूज चल रही होती है जो कि बैटल बता रहे थे मास्टर मा और टाइम मू के बारे में, वो फिर बता रहे थे कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट बैटल है, सारे लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पर जो फाइट चल रही होती है उनकी बीच में, भाई कुछ तो दिख नहीं रहा। और फिर बता रहे थे कि देखो जरा रोक सारे और शायद से लग गए हैं इसके सर पे और सिग्नल चले जाते हैं, और ये रोक भी देख रहे थे, फिर बता रहे थे कि सर में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसे भी देख रहा था सोच रहा था कि सर में इनकी जो पावर्स है बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है और ये जो ऑलमोस्ट सेम एक न्यूक्लियर पावर के जितने पावर ये रखते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी इनके इन्वीनियंस के लिए मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि हम भी इनके फाइट में आ जाएंगे इस तरीके से, जबकि हम इतने ज्यादा दूर थे, अगर यहाँ पर जो ग्रेट थ्री का मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते तो हम जो मारे जा चुके होते। और इसे भी देख रहा था सोच रहा था कि क्या सच में मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। वैसे थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं भूल चुका था, मतलब रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था और मैंने 4-5 चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन कर दिए। और फिर बता रहे थे एक दिन मैं भी जो ग्रैंड मास्टर बनूंगा। हमें यहाँ पर जो लड़की दिखाई जाती है जो कि आ रही होती है, फिर बता रहे थे कि मेरे को ये सोफा चाहिए इस मोटे के पास, फिर बता रहे थे कि नहीं ये जो 80,000 के हम सोचेंगे 80,000 के जूते 80,000 के। और ये फिर रो रही होती कि नहीं तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम जो बोल रहे तुम मुझे प्यार करते हो तुम झूठ बोल रहे थे, यहाँ पर जो फाइट चल रही है भाई क्या हो रहा है। और फिर बता रहे थे आई एम सॉरी सर ये मॉडल जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुका है, उस लड़के ने कर दिया। और यहाँ पर देखते तो एमसी ने ले रखा होता है। यहाँ पर हमें एमसी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी की सिस्टर बता रहे थे कि मम काफी ज्यादा लेट हो चुका है, ब्रदर अभी तक आया नहीं है, वो जो जरूर चला गया होगा कुछ डिलीशियस खाने के लिए, मुझे जो इससे सबक सिखाना पड़ेगा जब वो वापस आ जाएगा। इसमें फिर बता रही होती है कि तुम्हारे ब्रदर ने ऑलरेडी तुम्हें बता नहीं दिया था फोन पे कि मार्शल आर्ट के एग्जाम जो आने वाला है, वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, एमसी यहाँ पर आ चुका था ट्रेनिंग करने के लिए। और साथ में जो है एमसी की हेल्प उस लड़के ने भी कर दी थी, काफी सारी चीजें एमसी को बता दी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एमसी को फिर एक दो चीज भी बता रहे थे कि कुछ बताने तुम्हें कि तुम्हारे की इन ब्लड के लेवल जो है काफी ज्यादा बुरा नहीं है, तुम आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम जो है ये टेक्निक करोगे जो कि मैंने तुम्हें दे दी है तो वो जो इंक्रीज कर सकती है तुम्हारे की इन ब्लड को और ज्यादा जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी तक है, लेकिन जो तुम्हारी एक्चुअल की इन ब्लड है उसका लेवल कम हो सकता है इसकी वजह से, तो इसलिए एग्जाम जो इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। अगर तुम्हारा ब्रेन जो है वो रिसीव करते है कोई भी डैमेज वगैरह तो तुम जो हो मिस कर सकते हैं इस एग्जाम को। और इसी के साथ एमसी लगा होता है, फिर बता रहा होता है कि अगर मैं जो अपने वेंस को और साथ में जो है ब्रेन को डैमेज नहीं करूंगा तो मैं कर सकता हूँ अपग्रेड। और काफी ज्यादा देर बाद फिर बता रहा था कि फाइनली मैंने जो है सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है, यहाँ पर जो है अभी भी पैसे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ये खुद की इन ब्लड को बढ़ाना नहीं कर रहा होता, पहले फिजिकल पावर तो बढ़ा ले और यहाँ पर पैसे लगा लेता है। और डायरेक्ट शौक हो जाता है कि क्या ऑलरेडी ये इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पर कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वेट नहीं करना पड़ता है मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए, मैं लगातार बढ़ा सकता हूँ और जितने और
कल्टीवेटर होते हैं हर 3 दिन बाद जो है उन्हें जो है लाखों की पिल्स चाहिए होती है अपने की इन ब्लड को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जो हूँ इस तरीके से कुछ ही पैसे लगा के कर सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसी तरह होता रहा तो मैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। और इसी के साथ हमें 6 अप्रैल दिखाया जाता है, और इसी के साथ 15 अप्रैल हो जाता है और लोग रेडी हो रहे होते हैं एग्जाम के लिए, जो कि फाइनली 3 दिन रह जाते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमें कोई बंदा दिखाया जाता है जो कि फिर बता रहा होता है कि आजकल जो है मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल ही अच्छे नहीं मिल रहे हैं, पूरे 10 साल हो चुके कि हमें कोई एक अच्छा सा मार्शल आर्टिस्ट मिला हो। और बता रहे होते कि हमने काफी ज्यादा पैसे भी लगा दिए हैं ये मार्शल आर्ट की एजुकेशन की फैसिलिटीज पर, लेकिन हमें कोई एक अच्छा बंदा नहीं मिला है। ये वॉइस लीडर होता है और ये जो है फिर वो एमसी का दूसरा फ्रेंड नहीं है जो सीनियर है, उसके बारे में बता रहा होता है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस पिछले साल हमें जो है पता नहीं चलती तो हम जो है इस चीज को शट डाउन कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर इस सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे कोई भी नहीं है सिवाय उस लड़के के अलावा, कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। और फिर बता रहे होते कि अगर अभी के लिए हमें जो एटलीस्ट 100 स्टूडेंट नहीं मिल जाते जिनकी की एंड ब्लड जो है 120 पॉइंट्स पर होगा या फिर ज्यादा होगा, और या फिर हमें जो है कोई हाईएस्ट लिमिट वाले जो है मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं तो तुम्हारी पोजीशन जो है फिर डेंजर के अंदर आ जाएगी, जो कि ये चीफ होता है इस जगह का। और इसके साथ फाइनली दिन आ जाता है कॉम्पिटिशन का, एमसी रेडी होता है। और यहाँ पर जो है ये फिर बता रहे होते कि पिछले साल जो है शायद से रजिस्ट्रेशन 112 की एंड ब्लड की थी, ये फिर बता रहे होते हमारे 110 ही है, हमारे एल लगे बड़े काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं। और ये फिर बता रहे होते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि की एंड ब्लड जो है जो हमें टेक्निक सिखा दी थी सीनियर ने वो जो है हमें करनी चाहिए, तो तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, हम जो आराम से घुस जाएंगे। और ये दूसरे भी बता रहे होते हाँ यही जो है सही है, सब एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पर जो कोई आ जाए तो फिर बता रहे होते कि क्या तुम जो फेंग हो, एमसी को बताता है, जो कि एमसी देख रहा होता है फिर बता रहे होते हाँ कुछ चाहिए। और ये देख रहे होते फिर बता रहे होते कि रुको जरा तुम जो हो वाइफ चीफ हो ना फेंग फ्रॉम एजुकेशन ब्यूरो से। और ये जो है फिर बता रहे होते कि हाँ मुझे जो है थोड़ी सी बात करनी है एमसी के साथ, क्या मुझे बात कर सकते हैं प्राइवेटली। एमसी भी आ जाता है फिर बता रहे होते कि क्या हो चुका है अंकल, कुछ इंपॉर्टेंट हो चुका है क्या, तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकते हो बताने के लिए। और ये फिर बता रहे होते ठीक है चलो फिर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, रियू यांग जो है उसके पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट है और वेंग सिटी के अंदर जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट वगैरह भी नहीं है जो कि कंपेयर की जाए और जितने भी सिटीज वगैरह है उनसे। और हर साल जो है मार्शल आर्ट जो सब्जेक्ट टारगेट होता है उससे पता चल जाता है कि एजुकेशन इंडेक्स के बारे में कि कौन सा ब्यूरो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वहीं पर ही ज्यादा रिसोर्सेज लगाए जाए एजुकेशन के लिए। और हमारी सिटी के जो है एल लगे पड़े होते हैं और इस दफा हमें जो है वार्निंग भी मिल चुकी है और इसलिए हमें जो है काफी ज्यादा पावरफुल लोग चाहिए। और शायद से तुम्हारा जो की एन ब्लड था वो 120 था ना, ऐसे फिर बता रहे थे कि मुझे पता नहीं है, मेरे को जो है चेक करना पड़ेगा बाद में ही। और एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पर चीफ क्यों आ चुका है मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए, इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों है मेरे बारे में। अरे फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ वेंग से मिल चुका था, वही सीनियर के बारे में बोल रहा होता है। फिर बताते कि उसने मेंशन कर लिया था तुम्हारे नाम, अगर तुम्हारा जो है अच्छे इंप्रेशन है उस पे तो तुम जो काफी ज्यादा स्पेशल हो। हमें बता रहे होते अच्छा क्या मतलब तुम्हारा। और फिर बता रहे होते कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम्हें जो है शांत होना पड़ेगा अपने की इन ब्लड के लिए। फिर बता रहा होता है कि तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जितना ज्यादा तुम्हारा इमोशन होगा उतना ज्यादा उस की इन ब्लड टेस्ट को इफेक्ट कर सकता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग जो होंगे वो वीक होंगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट होगा तुम गेन कर पाओगे उसे और तुम्हारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो जो तुमसे स्ट्रॉन्ग होते हैं तुम जो हो एंशियस हो जाओगे, एंजाइटी तुम्हारे अंदर आएगी और तुम्हारा जो करेज वो बिल्डअप नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो भी इतने ज्यादा अच्छा नहीं होगा। एम्स फिर सोच रहा था कि अच्छा तो ये चाहता है कि मैं अपनी की एंड ब्लड को यूज करूं और लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए, सोच रहा था कि सर में इसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे हैं। फिर बता रहा होता है ये जो है अच्छा नहीं होगा क्या, क्योंकि मेरा की एंड ब्लड जो है वो इफेक्ट भी कर सकता है मेरे जो रिजल्ट आने वाले एग्जाम के अंदर उसे भी। बता रहे होता कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम इस एग्जाम के अंदर फर्स्ट आने वाले हो, क्योंकि हम जो है तुम्हें एक स्पेशल की एंड ब्लड का जो है पिल दे देंगे जो कि मिलियंस में होता है, जिसे हासिल करने के लिए लोग पागल होते हैं। और मार्शल आर्ट जो है वो सब करेज के लिए है कि तुम्हारे अंदर कितने ज्यादा हिम्मत है उसको करने के लिए। अगर तुम्हें जो है सिंपैथी होती है अपने ओपोनेंट के लिए तो वो जो है एक अच्छी चीज नहीं होती है मार्शल आर्ट के अंदर। हम इसे देख रहा होता सोच रहा होता कि अच्छा तो ये जो है सारी हिम्मत का ही गेम है। ऐसे बता रहे थे ठीक है फिर ट्राई कर लेते हैं, और जैसे हैंडशेक करते इसे कुछ होता है। और ये जो गिन रहा होता है सोच रहा होता है 120-130 इसकी पावर नहीं है ज्यादा है, और इसके साथ जा रहा होता है। ये जो किसी से टकराती है और ये भी देख लेते हैं कि क्या तुम ठीक हो, दूसरा बता रहा होता है तुम जैसे नोबडी जो है यहाँ पर आ चुके हैं इस एग्जाम को देने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है। और इस लड़की को भी चोट लगती है और ये इसे पकड़ लेते हैं, फिर बता रहे होते कि जल्दी करो इससे माफी मांगो, और ये भी इसे बता रहे होते कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। और फिर बता रहा होता है कि ये थी जो कि मुझसे टकरा चुकी थी तो इसका फॉल्ट है कि इसे चोट लग चुकी है, और वैसे भी तुम लोग जो है सभी लूजर्स हो और तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो वो है कि तुम बशोर कर सकते हो यहाँ पर। और ये तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, फिर आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जो जानबूझ के ये कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एमसी आ जाता है और अचानक से अपनी पावर यूज करता है, फिर बता रहा होता है कि लगता है कि मुझे जो है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा अपने लोगों की तरफ से। यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी एमसी की आ रही होती है, इसकी हालत खराब होती है। फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ सांस नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर जो है वो दूसरा बंदा देख रहा होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है जो भी होता है, फिर बता रहा होता है कि सर में इसकी पावर जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये जो एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर नहीं है, और सच में उस दूसरे लड़के ने जो है एक मॉन्स्टर को बड़ा कर दिया यहाँ पर। और ये भी आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि ये लड़का है कौन। और इसी के साथ ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आ जाते हैं, जबकि सबकी फटी पड़ी होती है, काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्केरी है। और कुछ लोग तो एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना कि एक स्टूडेंट आ चुका
चुका है येन सिटी से और उसका जो ओकियन ब्लड है वो कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है। दूसरा बता रहे होते हैं हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनको बुली कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो कोई एमसी को पकड़ता है और डायरेक्ट लेकर अंदर चला जाता है और यहाँ पर ये जो है वही टीचर होता है। एमसी को बता रहा होता है कि जल्दी करो ये जो है ग्रेड वन की पिल है इसे ले लो, अगर तुम जो इसे यूज कर लोगे तो तुम्हें जो है मैक्सिमम लिमिट के मार्शल आर्ट की रैंकिंग मिल जाएगी। एमसी भी देख रहा होता है और फिर जो है पुश करता है कि नहीं अंकल मुझे जो इसकी जरूरत नहीं है और मैं जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि इसके जो इफेक्ट है ग्रेड वन के पिल के वो जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा है जब तक मैं जो मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनता हूँ, और साथ में जो है ये डैमेज कर सकते हैं मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ही, तो इसकी वजह से मैं मर सकता हूँ। फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी जो बॉडी है वो सॉलिड है इसके लिए, तो तुम अगर ले लोगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, साथ में तुम्हें जो है हाईएस्ट रैंकिंग भी मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी होगी। तभी एमसी बता रहे थे कि नहीं इसमें बहुत सारे रिस्क है और ये इसे बताते कि ये जो हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीजें और तुम्हें पता अगर तुम जो रिजेक्ट करोगे जो कि रिक्वेस्ट है ग्रेड 3 की मार्शल आर्टिस्ट है तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी ये। एमसी सोच रहा था कि सच में अब जो है ये मेरे को धमकियां देने का ट्राई कर रहा है। एमसी बता रहे थे अच्छा ग्रेड 3 का मार्शल आर्टिस्ट, वैसे मैंने सुन लिया है ब्रदर वेंग से कि उसने भी जो है ब्रेक थ्रू कर लिया, लेवल 3 पे पहुंच चुका है कुछ टाइम पहले ही। ओके सर अगर तुम जो उसे कॉल कर लो देख लो कि वो क्या कहता है। और फिर बता रहे थे कि ठीक है और फिर बताते कि सॉरी मैं जो कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो रहा था क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है और क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हो इस दफा और बाद में तुम्हें जो भी चाहिए हम जो है वो भी नेगोशिएट कर सकते हैं। एमसी हंसता है फिर बता रहा होता है कि कैसा रहेगा तुम जो मुझे 2 जो है ग्रेड 1 के की एंड ब्लड के पिल्स दे दो और साथ में 2 मिलियन मुझे कैश के अंदर चाहिए, उसके साथ ही मैं अपनी लाइफ जो रिस्क में कर सकता हूँ तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पे। और फिर जो है सोच रहा होता है कि यार ये बहुत ज्यादा रश के अंदर है जो कि रिक्वेस्ट है इसने बता दी, फिर भी सही है। फिर बता रहे होते हैं ठीक है मैं एग्री करता हूँ। फिर बता रहे होते हैं एमसी के चलो फिर मैं चलता हूँ, हाँ और तुमने बता दिया कि मैंने रिक्वेस्ट कर लिया 3 जो है ग्रेड 1 के पिल्स के, तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। और ये सोच रहा था कि सर मैं ये जो है एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है इस तरीके से मुझे ये बातें कर रहा है, और सोच रहा होता है कि रुको सर ये जो है कुछ और ही है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। हमें ये जगह दिखाई जाती है जहाँ पर टेस्टिंग हो रही होती है इनकी की इन ब्लड के बारे में और यहाँ पर ये सबके रैंकिंग वगैरह देख रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके 120 से ऊपर का की इन ब्लड हो, और डायरेक्ट एमसी का आ जाता है जो कि वेट हो रहा था एग्जामिनेशन का, सोच रहा था मेरे को ये लड़का मिल चुका है। और फिर बता रहा होता है कि जल्दी करो मूव करो सीसीटीवी कैमरा एमसी की तरफ हमें देखना है। फिर बताते हैं ठीक है और यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है। एमसी सोच रहा था कि सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर सर्वेलेंस कैमरा भी इंस्टॉल होगा इस चैम्बर के अंदर और लगता है कि मेरे को जो है थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, वैसे भी मेरे पास सिस्टम है तो मुझे सच में जरूरत नहीं है इन पिल्स वगैरह के बारे में, लेकिन चलो मैं जो फेक कर लूंगा इसे खाने का। वैसे जैसे ही खाता है ये और फिर बता रहे होते कि ये फीलिंग जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है और भले ये जो एक नॉर्मल की एंड ब्लड की पिल है लेकिन इसके पावर जो काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है सिस्टम से ही जो कि बहुत ज्यादा रिफाइन है, मुझे जरूरत नहीं है प्योरिटी की, तो रुको जरा सिस्टम की जो पावर है वो अच्छी है या फिर ये पिल। अचानक से इसमें एनर्जी आती है और काफी ज्यादा चीख रहा होता है ये और ये पावर डायरेक्ट 119 पर चली जाती है। सोच रहा होता है प्लीज 120 से ऊपर आना और सोच रहा होता है इसके बारे में कि तुम्हें जो है हमने सपोर्ट कर दिया लेकिन तब भी अगर तुम पहुंच नहीं पाते हो जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे तो हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, और डायरेक्ट 149 पर पहुंचता है और ये काफी ज्यादा खुश होता है देखकर। और यहाँ पर जो हमें एग्जामिनेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पर रिजल्ट आने वाले होते हैं और बता रहे होते हैं कि इस दफा जो है पासिंग मार्क्स 115 यूनिट्स हैं जो कि सारे लोग शोक हो जाते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरे बता रहे होते हैं कि हाँ हम जो है पार नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों के 111 होते हैं पिछले साल ही लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। और फिर बता रहे होते हैं कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा और जो स्टूडेंट्स है वो पास हो चुके हैं, चलो अनाउंस कर लेता हूँ कि कौन कौन पास हुआ है। और यहाँ पर लग जाते हैं नाम बताने में और ये फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि तुम जो नर्वस नहीं हो क्या क्योंकि इस दफा जो है 115 है तो तुम जो हार भी सकते हो ना। और फिर बता रहे होते हैं कि क्यों ये बहुत ज्यादा हाई है, ये फिर बता रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारा जो है की इन ब्लड लेवल क्या है। एमसी बता रहे होते हैं कि शायद 149 है और ये फिर बता रहे होते हैं कि हाँ हाँ मजाक बहुत हो गया। एमसी बता रहे होते हैं कि भाई मैं सीरियस बोल रहा हूँ, या फिर बता रहे होते हैं कि मैं जो जलस हूँ कि तुम इतने ज्यादा शांत भी हो इतने ज्यादा जोक भी कर रहे हो इस टाइम। और यहाँ पर एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि इसकी यूनिट जो है 116 है और दूसरे का 120 होता है, लेकिन वापस एमसी का नाम लेते फिर बता रहे होते हैं कि चलो कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं एमसी को जिसको एक्सीडेंट रिजल्ट मिल चुका है इसकी जो ब्लड है वो 149 है। रुको जरा तो पहले जो नाम बताया था वो क्या सीन था, जबकि सारे लोग शोक हो जाते सब बता रहे होते कि सच में मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। दूसरा बता रहे होते कि क्या सच में ये हमारे क्लास से है, कुछ बता रहे होते कि ये जो इंसान है कि इसका इतने ज्यादा पावर है, और ये भी बता रहे होते कि सच में तुम जो सच बोल रहे हो तो इतने ज्यादा तुम्हारा स्कोर आ चुका है। एमसी बता रहे होते कि हाँ टीचर ने अनाउंस कर लिया अभी भी तुम बिलीव नहीं कर रहे हो। और फिर बता रहे होते कि ये स्टूडेंट है जिन्होंने पास कर दिया जिनका नाम नहीं लिया गया वो फेल हो चुके हैं और कोई नहीं अगले साल जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जो ये लड़की भी रो रही होती फिर बता रही होती कि मेरे रेंट ने सारे अपनी लाइफ सेविंग लगा लिए थे मुझे एग्जाम में लेकर आने के लिए, मैं जो अभी क्या बोलूंगी उसे। एमसी देख रहे होते सोच रहे कि सर मैं ये जगह जो है बहुत ज्यादा हार्ड है कुछ लोगों के लिए, अगर सोचा जाए अगर मैंने जो है पहले पैसे नहीं लगाए होते और मेरे पास ये सिस्टम नहीं होता तो यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता और नॉर्मल लोगों के पास इस तरीके से पैसे भी नहीं होते ये चीजें करने के लिए। एमसी जो है आ जाता है इसके पास और फिर बता रहे होते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए तुम जो अगले साल जरूर पास हो जाओगी, तुम्हें जो है फ्रेंच फ्राइज पसंद है ना कैसा रहेगा मैं जो तुम्हें आज दे देता हूँ, चलो मेरे साथ चलो साथ में मैं जो हूँ तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करने भी दे दूंगा। और ये देख लेती है और ये सारी भी आ जाते हैं इसे कम्फर्ट करने के लिए। फिर बता रहे होते हाँ अगले साल जो है तुम एग्जाम दे देना और ये रो रही होती है और फिर बता रहे थे चलो चलते। और इसी के साथ जब ये बाहर जा रहे होते हैं यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि फिर बता रहे होते स्टूडेंट तुम्हें लगता है ना कि ये जो मार्शल आर्ट एग्जाम है बहुत ज्यादा अनफेयर है और तुम्हें पता है कि क्या
हो जाता है जो लोग पास नहीं करते इस एग्जाम को, और उन्हें जो है फिर फोर्स कर दिया जाता है, वो जो है लो क्लास की लाइफ अपनी पूरी लाइफ जीते हैं, और हमें जो है इन अनफेयर रूल्स को क्यों फॉलो करना है। और फिर बता रहे थे कि 2012 तक ये वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा मार्शल आर्ट के हाथों के अंदर, तो हम ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं, तो जो है हमारी हेल्प करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए इन चीजों के लिए। वैसे भी देख रहा था कि भाई कौन है, वैसे फिर बता रहे थे कि ये जो है वियर्ड है, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं, दूसरे भी बता रहे थे हाँ, और ये जाने लग जाते हैं। लेकिन ये जो इस लड़की को रोक देता, फिर बता रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हें एक जगह पे लेकर चला जाऊंगा, जबकि फिर बता रहे थे कि मुझे जाने दो, और बताते कि नहीं तुम्हें जो है कुछ भी नहीं होने वाला है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि रियल गॉड जो है वो हर किसी के साथ अच्छा होता है। और इसे आ जाते फिर बता रहे थे कि इसने बोला नहीं कि इसे जो है जाने दो, एनर्जी आती है यहाँ पर, और ये इसे जाने देता है। हम सोच रहे थे कि ये कोई टाइप का कल्ट वगैरह है क्या, वैसे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं कि दिन के टाइम आ रहे ये चीजें करने के लिए, और एमसी को बताते कि चलो चलते, और सोच रहे थे कि चलो जाने दो, मेरे को जो इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और ये देख लेते हैं एमसी को हंस रहा होता है। और इसी के साथ हमें एग्जामिनेशन वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और फिर बाद में रिटन टेस्ट होता है, और फाइनली सब जो पास हो जाते हैं, पेपर फेंक दिए, और एमसी भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमें वही बंदा दिखाया जाता है, बता रहा था एमसी के बारे में कि ये वही है जो कि स्टूडेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हाई की इन ब्लड है। दूसरी बता रही होती है कि जिनके पास जो है बहुत ज्यादा हाई की इन ब्लड होता है, वो जो है सीड्स होता है मार्शल आर्ट्स के लिए, जो कि फ्यूचर स्पेशल अथॉरिटी के हायरार्की है, जो कि पावर्स लेंगे, और ये फिर बता रहे होते कि वो जो है काफी ज्यादा खतरनाक है, हम जो मर भी सकते हैं इसकी वजह से। फिर बता रहे थे कहा वैसे भी ये लोग सिनर्स है, इन्हें हम बचा नहीं सकते, हम जो है एक ही चीज इनके साथ कर सकते हैं कि प्यूरिफाई कर सकते हैं इनकी स्पिरिट को, और फिर बता रहे होते कि मैं जो तुम सबको छोड़ दूंगी, ये लड़का जो मेरे लिए है अभी। और इसी के साथ ये जो है बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर लग जाते हैं इनको मारने में, भाई क्या कर रही है, एमसी भी देख रहा होता, सोच रहा था कि क्या चल रहा है, और ये डायरेक्ट आ जाती है इसके पीछे, फिर बता रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, जाने से पहले तुम्हें जो है एटलीस्ट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तुम्हारे रियल स्पिरिट गॉड को। एमसी जैसे पीछे देखते रख के मारती है वो, एमसी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है, ये जो मार्शल आर्टिस्ट है और वो भी देख रही होती है, और जैसे देख लेते हमारे सोच रहे थे गुरु को जरा ये वही लड़के का मार्क है ना इसके पास भी है, और ये जो वही कल्ट वाले लोग है जो कि कल मिल चुके थे, और एमसी जो पीछे हो जाता है, फिर बता रहे थे कि सर में ये आ चुके रिवेंज लेने के लिए, और रख के मारता है, लेकिन उससे ज्यादातर कुछ भी नहीं होता है, और वो एमसी को रख के मारती है, और लगातार वो जो है मार रही होती है, लेकिन एमसी डायरेक्ट लात मारता है, इसके जो एम है वो खराब हो जाता है और साइड पे लगता है। एमसी भी सोच रहे थे कि सर ये जो मेरे को मारने का ट्राई कर रही है, फिर बता रही होती है कि वही मर्सी ऑफ गॉड, और रख के मारती है। एमसी सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन डायरेक्ट कोई आ जाता है इसे रख के मारता है, और वो वहीं पर ही मारी जाती है। और यहाँ पर कोई पुलिस वाला होता है कि मार्शल आर्टिस्ट है ये, और फिर बता रहा होता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ये लोग जो आ जाएंगे यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, भाई उसका पूरा सर ही खत्म हो चुका है। एमसी भी इसे देखता है, फिर बता रहा होता है कि स्टूडेंट तुम्हें चोट लगी है क्या। एमसी जो है जब उस बंदी को देख लेता है, इसकी हालत खराब हो जाती है, फिर बता रहा होता है कि सलाम मेरी हालत खराब हो गई उसको देखकर, और ये भी बता रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, हर कोई जो है डिस्कस्टेड हो जाएगा अगर फर्स्ट टाइम ये चीज देखेगा तो, और तुम अच्छा फील कर रहे हो। एमसी देखते हैं, फिर बता रहे होते कि तुम हो कौन, और फिर बता रहे होते कि मैं जो हूँ डिटेक्टिव हूँ ब्यूरो से। एमसी बता रहे होते कि अच्छा फिर ये लोग कौन है, फिर बता रहे होते कि मैं भी कोई पागल लोग होंगे। एमसी बता रहे होते कि साला तू मजाक कर रहा है, और सच में तुम जो इस टाइप की चीजों को एज अ डिस्कस्टिंग बोल सकते हो या फिर पागल बोल सकते हो इन लोगों को, ये लड़की जो मेरे को एक्चुअली में मारने का ट्राई कर रही थी, लेकिन एमसी शांत हो जाते देखकर। और फिर बता रहे थे कि ऑलरेडी हमने जो डिस्पैच कर लिया है आर्मी को भी, साथ में जो है ब्यूरो डिटेक्टिव्स को भी इन पूरी सिटी में, तो ये चीजें कभी भी दोबारा नहीं होगी। और ये जो आ जाता है, फिर बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारे पे जो इतना ज्यादा ब्लड क्यों आ चुका है, तुम्हें चोट लगी है क्या, हॉस्पिटल जाना है, जबकि दूसरा देख रहा होता है। फिर बता रहे थे रिलैक्स, ये जो फाइन है, और फिर बता रहे थे अच्छा, और फिर बता रहे थे रुको जरा, फेंग पिंग ये वही लड़का है ना जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट की इन ब्लड है, जो कि रूई फेंग है, और ये भी इसे देख लेता है। और फिर बता रहे थे कि अच्छा मैंने जो काफी ज्यादा लोग देख लिए थे तुम्हारे ब्यूरो से ही, तो मेरे को लगता है कि ये नॉर्मल डिस्टर्बेंस नहीं है इस दफा। और फिर बता रहे थे हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इन्होंने एक्चुअली में अटैक किया होगा मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स पर, और ये लोग जो हेट करते हैं मार्शल आर्टिस्ट को, और ये जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा बदला लेते हैं समझा करो। और मार्शल आर्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी सीखा नहीं होता है मार्शल कॉम्बैट और इन चीजों को, तो इसलिए ये जो डिसाइड कर लेते हैं इनको टारगेट बना देते हैं, क्योंकि ईजी होता है इन लोगों को मारना। लेकिन हमने कभी भी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेंगे, जिस दिन टेस्ट होगा वो भी दिन दहाड़े ये कांड कर रहे होंगे, और साथ में हमें ये भी पता नहीं था कि इनके पास जो मार्शल आर्टिस्ट भी होंगे जो कि ये कांड कर रहे होंगे। और फिर बता रहे होते कि सर मैं इनके पास मार्शल आर्टिस्ट था, और फिर बता रहे थे कि हाँ ये लड़की जो थी वो वही थी जिसने एमसी पर अटैक किया था, और ये देख रहा था। फिर बता रहे थे कि थैंक यू इसे बचाने के लिए, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता यहाँ पर। और एमसी के बारे में बता रहे थे कि ये जो प्रोडिजी है ये मारा जाता। एमसी सोच रहा होता कि साला हो क्या रहा है यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्शल आर्टिस्ट था और मैं ही उससे लड़ रहा था, ये कोइंसिडेंस भी हो सकते इस दफा, लेकिन क्या होगा अगर मैं जो दूसरे से मिलूंगा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है, और मैं अभी तक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में घुसा नहीं हूँ, तो मैं कैसे जो ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ अगर मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अंदाजा रिपोर्ट करने के लिए कि जितने भी लोग थे सब जो है वो मारे जा चुके हैं, और कुछ जो है वो पकड़ लिए गए हैं, और साथ में पूरे 20 स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, और 9 जो है उनके फ्रैक्चर्स वगैरह लग चुके हैं। ये फिर बता रहे थे अच्छा, और फिर बताते कि कुछ हो सका, ये फिर बता रहे थे क्या बोले तुम्हारा, और ये फिर बता देते हैं कि एक्चुअली में वो जो है मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे अभी। और ये फिर बता रहे होते कि तुम जो जा सकते हो इन्हें चेक करने के लिए इस मैटर को, ब्यूरो ऑफ एजुकेशन जो है वो हैंडल कर लेगा जितने भी स्टूडेंट्स है उन्हें। फिर बता रहे होते ठीक
ठीक है फिर। भाई अभी भी एमसी को देख रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, ये लो टिश्यू ले लो, अपने जो है ब्लड वगैरह साफ कर लो यहाँ पर, अगर तुम्हें चोट लग चुकी है तो बता दो, मैं जो सब कुछ कर लूंगा। एमसी फिर ऐसे बता रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इस कॉम्बैट टेक्निक के बारे में, मुझे जो है सीखना है। फिर बता रहा होता है कि क्या तुम चाहते हो कॉम्बैट टेक्निक सीखना। एमसी बता रहा होता है कि हाँ, सोच रहा होता है कि मेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर बता रहा होता है अगर तुम जो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में लग जाओगे तो वो जो है वहां पर तुम्हें ये टेक्निक वगैरह सिखा देंगे, लेकिन ये एरा जो है पीस वगैरह का है तो वो चीजें जो है तुम्हारे लिए पॉइंटलेस रहेगी। एमसी भी सोच रहा था कि क्या बोला तुम्हारा पॉइंटलेस वगैरह का, अभी यहाँ पर बंदी आ चुकी थी मेरे पर अटैक करने के लिए, और साथ में देखा जाए ग्रैंड मास्टर माँ, साथ में जो है वो दूसरा लड़का जो है, और ये डिटेक्टिव और ये दूसरी लड़की, सबके पास जो ये टेक्निक्स थे, और ये फिर बोल रहा है कि ये किसी काम के नहीं है। और फिर बता रहे होते कि तो ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आजकल जो है जितने भी मार्शल आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो एक्चुअली में जो है कॉम्बैट टेक्निक सीखने नहीं है, वो सिर्फ जो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेते हैं, अपने की एंड ब्लड को यूज करते हैं, और साथ में जितने भी टेक्निक्स वगैरह होती जो पहले यूज होती थी वो अभी यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी जो है ये जो इंसिडेंट हो चुका है डिटेक्टिव ब्यूरो जो हैंडल कर रहा है इस दफा वो जो है रिलेटेड नहीं है। और साथ में देखा जाए तो अगर तुम जो हो सिविलियन की एंड ब्लड मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो, जो कि हम जैसे लोग हैं, तो जो हमारे लिए काफी रहता है कि हम ये टेक्निक ना सीखे बल्कि बस सेल्फ डिफेंस अपने लिए सीख ले। फिर बता रहे थे कि मुझे फॉलो करो, मैं जो तुम्हें लेकर चला जाऊंगा, तुम्हें साफ वगैरह कर दूंगा, न्यू यूनिफॉर्म भी तुम्हें दे दूंगा, और मैं तू हूँ तुम्हें बाद में तुम्हारे घर पे लेकर चला जाऊंगा। ऐसे सोच रहे होते कि अच्छा, तो जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो एक्चुअली में कल्टिवेटर्स होते हैं सिर्फ एक शो के लिए। यहाँ पर जो एमसी कॉल कर रहा होता है उस दूसरे लड़के को, लेकिन कॉल बंद आ रही होती है। एमसी भी सोच रहा था अचानक से क्या हो रहा है, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है, मैं जो उससे कुछ जानना चाहता था मार्शल आर्ट के बारे में। और फिर बता रहा होता है कि क्या हो चुका है, कोई जो है तुम्हें आंसर नहीं दे रहा है। बता रहे थे कि नहीं, फिर बता रहे थे कहाँ याद आया, और इसे मैसेज आता है, और जैसे देखते हैं यहाँ पर पूरे 2 मिलियन इसे मिल जाते हैं। फिर बता रहे थे कहा मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसके बारे में भूल चुका था, और मेरे को नहीं लग रहा था कि एक्चुअली में अंकल मुझे पैसे देगा, ना कि वो दूसरा चीफ। और फिर बता रहे थे कि तुमने अच्छा जॉब कर लिया इस टेस्ट के अंदर, तो इसलिए सिटी ने तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया है पहले ही, तुम्हें जो है डाउन नहीं होना चाहिए, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। फिर बता रहे थे कि फेस टू करते हैं, मुझे जो है तुमसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के लिए। एमसी भी इसे देखता है, और फिर बता रहे थे कि एमसी को बता रहे थे कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उस लड़के ने तुम्हें रेकमेंड कर लिया, जो कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, और इसी के साथ ये जो इंसिडेंट था कल्ट वाला वो खत्म हो जाता है। और वैसे भी एमसी ने सर्वाइव कर लिया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी एमसी जो है अभी खुद को इम्प्रूव करने का सोच रहा है। और जैसे ही घर पे यहाँ पर आता है ये तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते कि तुमने जो है हाईएस्ट नंबर ले लिया एग्जाम के अंदर, और ये भी आ जाता है कि सॉरी तुम्हें दंग करने के लिए, और ये देख लेते हैं कि तुम कौन हो। और इसके साथ एमसी भी आ जाता है, और ये भी खुश होते हैं, और एमसी बता रहा था कि ये जो है वाइस चीफ है इस सिटी का, और ब्यूरो एजुकेशन का भी, तो ये जो है मुझे यहाँ पर लेकर आ चुका था। और ये शो हो जाते हैं, फिर इसके लिए काफी सारी चीजें लेकर आ जाते हैं, और एमसी की सिस्टर इसे बता रही थी कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा कूल हो, वाइस चीफ जो है तुम्हें यहाँ पर लेकर आ चुका है। इसमें बता रहे थे कि हाँ, मुझे भी नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आ चुका है। ऐसे जो फिर बता रहे थे कि मैं अपोलॉजी करता हूँ कि मैं अचानक से यहाँ पर आ चुका था, फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं था, और फिर बता रहे थे कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि यंग सिटी एजुकेशन ब्यूरो जो है तुम लोगों के बारे में जानना चाहता है, एमसी की फैमिली के बारे में जानना चाहता है, और तुम और साथ में सिस्टर इन लॉ जो है एमसी को बड़ा कर रहे इस तरीके से, जो कि काफी ज्यादा इजी नहीं होगा, तुम लोगों की हालत देख कर ही पता चल रहा है। अगर तुम जो चाहते हो तो मैं जो हूँ तुम्हें चाहूंगा हायर करना एज अ गार्ड एजुकेशन ब्यूरो के अंदर, और तुम्हारी मंथली सैलरी जो है 5,000 हो जाएगी, तुम्हें बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे, और साथ में फ्री इंश्योरेंस मिलेगा। और फिर बता रहे थे कि सर मैं 5,000, ये जो काफी ज्यादा अच्छा होगा, ये भी खुश हो जाते कि डेट ये जो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें जो है फिर बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा पैसे कमाने के लिए, काफी ज्यादा अच्छा है ये। हम इसे भी बता रहे थे काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर देखता है, और फिर बता रहे थे कि चलो फिर मैं जो हूँ यहाँ से चलता हूँ। और फिर बता रहे थे अच्छा खाना नहीं करना है, फिर बता रहे थे कि नहीं मुझे और भी लोगों के घर वगैरह जाना है, और एमसी बता रहे थे थैंक यू लाने के लिए। और दूसरे भी बता रहे थे कि ये चीफ जो काफी ज्यादा अच्छा है कि एमसी को भी यहाँ पर लेकर आ चुका है। एमसी की मदर भी बता रहे थे कि हाँ हमें जो इसे इन्वाइट करना चाहिए किसी दिन खाने के लिए, और एमसी को फादर भी बता रहे थे कि हम इसे इन्वाइट करेंगे जब रिजल्ट जो पूरे वापस आ जाएंगे, मतलब कम आउट आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ ब्लड का रिजल्ट आया और चीजों का तो नहीं आया। एमसी इसे बता रहे थे कि मैम डेविड कार जो है तुम कल फ्री हो, और फिर बता रहे थे क्या हो चुका है। एमसी बता रहे थे कि एजुकेशन ब्यूरो ने हमें घर दे दिया तो हम जो वापस जा सकते हैं, ये जो शौक हो जाते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा। और इसी के साथ अगले दिन जब एमसी लेकर आ जाता है ये जो काफी ज्यादा शौक हो जाते देखकर, और बता रहे थे कि घर जो काफी ज्यादा अच्छा है देख रहे होते हैं, और ये भी बता रहे थे एमसी का फादर कि हाँ ये जो मेरा पहली दफा है लाइफ के अंदर कि मैंने इस तरीके से घर देख लिया, और इस तरीके से रिवॉर्ड भी देख लिया है कि कोई पास हो चुका है उसे मिला है। एमसी की मदर भी बता रही होती कि फर्नीचर भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है, एजुकेशन ब्यूरो ने कितने पैसे लगाए हैं। एमसी के फादर भी बता रहे थे कि ये घर जो है सच में रिवॉर्ड है जो कि हमें मिल चुका है। एमसी जो हंसता सोच रहा था कि क्या इससे बता दूं कि मैंने खरीद लिया, फिर बता रहा था कि नहीं क्या ये सच में ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक तरीके से झूठ है। और ये जो है लग जाते फिर चीजें देखने में कि हाँ ये देखो ये जो एलसीडी टीवी है, और लग जाते हैं। एमसी सोच रहा था कि लगा एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, और यहाँ पर ये एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती कि आज जो है अचानक से अर्थक्वेक आ चुका था जो कि 8.0 का था, जिससे काफी ज्यादा लोग जो है डैमेज हो चुके हैं। एमसी देख रहा होता है कि अर्थक्वेक क्या ये जो इफेक्ट हो सकता है पावर ऑफ मार्शल आर्ट्स का। यहाँ पर आ जाता है कि थैंक यू के वार्निंग हमें मिल चुकी थी ग्रैंड मास्टर की तरफ से, इसलिए जितने भी सिटीजन थे वहां से निकल चुके थे, तो काफी ज्यादा लोग जो है मारे नहीं उसकी वजह से, रेस्क्यू टीम्स वगैरह भी वहां पर जा चुकी है हेल्प करने के लिए। अगर जो है ग्रैंड मास्टर वहां पर था, इतना ज्यादा उसने हेल्प कर ली है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और सोच रहा था कि क्या मार्शल आर्टिस्ट
एबिलिटीज जो इतने ज्यादा यूजलेस नहीं होते जितना कि ओल्ड टैंक ने बता दिया था, वो जो चीफ था ना उसने, और सच में इसने इतने ज्यादा लोगों को बचा दिया है। आया मुझे वीडियो दिख रही होती कि किस तरीके से ये हेल्प कर रहे थे, एमसी सोच रहा था कि मैं जरूर जो हूँ पावरफुल बनूंगा इसी तरीके से। अब बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं, थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और दरअसल मैं अपने गाँव जाने का सोच रहा था लेकिन अभी मैंने वो कैंसिल कर दिया जाना, ऑलमोस्ट मैं 20 दिन का ब्रेक लेने वाला था लेकिन नहीं लेना, मेरे को और चैनल पे भी फोकस करना है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।